ये और है मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं क्या बक रहा है? ये देख मौत लिखी है इस पे मौत और ये सैनिटरी पैड में जिंदगी <laughs> मत दो सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है उससे बचा और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से दो जिंदगी खरीद सकता है तू एक अपनी और एक अपनी बीवी की सोच ये पीने में नहीं ये देने में कैसा देश है ये पढ़े लिखों के लिए काम नहीं टैक्स भरो पर फिर भी फैसिलिटीज नहीं हम जब देखो दुनिया को ब्लेम करते रहते ठीक करने के लिए हम एक का भी नहीं हिलाते कमल हसन की हिंदुस्तान टू या इंडियन टू कही जाने वाली फिल्म आज रिलीज हो गई है जिसका सबको 28 साल से इंतजार था लेकिन इस सब्र का फल मीठा नहीं मिला जाने कहा कमल हसन फैंस को खुश करने से चूक गए एस शंकर द्वारा निर्देशित तो और लाइकअप प्रोडक्शन के सुभाष करण द्वारा निर्मित इस फिल्म में जोरदार सीन हैं जिस कारण इस फिल्म को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं यूनिवर्सल हीरो कमल हसन हिंदुस्तान टू यानी इंडियन टू के साथ वापस आ गए हैं जिसमे उनका दमदार एक्शन देखने को मिल रहा है तमिलनाडु के अलावा कई जगहों पर इस फिल्म का सुबह सुबह खास शो दिखाया गया इसके अलावा जिन फैंस ने सुबह के शो ही देख लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर फिल्म के रिव्यू शेयर करने में ज्यादा समय नहीं लगाया एवरेज रूप से ही फिल्म पसंद की जा रही है फ्रेम में लार्ज स्केल को छोड़कर फिल्म पूरी तरह से फेल हो गई है हालांकि क्लाइमेक्स सीन ने कुछ उम्मीदें बांधी थी लेकिन ये इंडियन के आवर्स की की भूमिका तरह ज्यादा लग रही थी जो कि कोई भी देखना नहीं चाहता शंकर को इस लार्ज स्केल की फिल्म के साथ क्या करना है इसका कोई अंदाजा नहीं था लाउड बुरा म्यूजिक बहुत बेकार लगा मूवी और मेकअप मेकअप्राइडिंग टीम एडिटिंग टीम को तो तुरंत ही निकाल दिया जाना चाहिए कमल हसन अपने काम में ठीक थे लेकिन उनका गेटअप बेवकूफी काफी ज्यादा बेवकूफी निकाली है इंटरवल ब्लॉक और क्लाइमेक्स ठीक था लेकिन कमल हसन का क्लाइमेक्स में छह पैक दिखाया गया ये क्या ठीक था मैं अभी तक सोच रही हूँ हालांकि कुछ लोगों को उम्मीद थी कि इंडियन टू में जो कमी रह गई उसकी भरपाई इंडियन थ्री में की जाएगी जो अगले साल सिनेमाघरों में रिलीज होगी वेल उम्मीद तो यही है कि इंडियन थ्री इसका जवाब देगी शंकर अपनी पिछली फिल्मों के जादू को इसमें फिर से बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन कहानी पुरानी और उबायु लगती है दिखाई दी गई फीलिंग्स आर्टिफिशियल हैं और एंटरटेनमेंट सिनेमाई एक्सपीरियंस बजाय कोई सास बहू के नाटक की याद दिलाती है फिल्म की शुरुआत वादे के साथ होती है बीस मिनट की मजबूत शुरुआत और सेनापति के लिए शानदार एंट्री लेकिन जल्दी ही अपनी गति खो देती है और पूर्वानुमान और रूटीन में उतर जाती है लार्ज स्केल और प्रोडक्शन वैल्यू ठीक है लेकिन वे फिल्म

पूरी तरह से वेस्टेज ऑफ टाइम वेस्टेज ऑफ मनी है जिसकी शुरुआत उम्मीदों से भरी है अगर आप इसे देखने जा रहे हैं तो ये सीक्वल निराश करने वाली हो सकती है तो जरा संभल कर बाकी आपको फिल्म से क्या उम्मीदें हैं और अगर आप देखकर आ चुके हैं या देखने जा रहे हैं तो हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको फिल्म कैसी लगी और आप हमारे रिव्यू के साथ कितना सहमत हैं इन दी कमेंट बॉक्स एंड चिल्ड्रेन एस शंकर और कमल हसन की फिल्म इंडियन टू का ट्रेलर आ गया ये साल 1996 में आई इंडियन का सीक्वल है पहली वाली मूवी में कमल हसन के साथ और मनीषा को इराला थी वही दूसरे पार्ट में सिद्धार्थ और रकुलप्रीत सिंह जैसे एक्टर्स ने काम किया है इंडियन में कमल हसन ने सेनापति नाम की स्वतंत्रता सेनानी का रोल प्ले किया था जो भ्रष्टाचार से लड़ता है इंडियन टू में भी सेनापति की वापसी हुई है ट्रेलर की शुरुआत में दिखाया जाता है कि भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है अमीर और अमीर बनते जा रहा है और गरीब पाताल में धंसते जा रहे हैं युवा इंडियन को फिर से बुलाना चाहते हैं वो फिर लौटता भी है रवि वर्मन के कैमरा वर्क और अनिरुद्ध रविचंद्र के म्यूजिक के साथ सेनापति अपने तरीके से तोड़ फोड़ मचाना स्टार्ट कर देता है कहता है कि ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है इसी बात पर सिद्धार्थ से वैचारिक मतभेद भी होता है तब कहता है कि तुम गांधी की तरह लड़ो और मैं नेताजी की तरह लड़ूंगा शंकर ने अपने जो स्टाइल के दम पर बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल बचाया है वो स्टाइल यहाँ भी बरकरार है आपको लॉजिक किनारे रख कर बस खुद को खुला छोड़ देना है शंकर की फिल्म में यही डिमांड तो करती है हालांकि उनकी फिल्मों का मजबूत पक्ष ये है कि वो सिर्फ हवाबाजी के भरोसे से नहीं रहती कहानी पर भी ध्यान दिया जाता है इंडियन टू के ट्रेलर से इतना क्लियर है कि लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है मेकर्स ने थीम साफ साफ बता दी लेकिन उसके बावजूद ये नहीं बताया कि कब क्या होने वाला है बता दें कि इंडियन टू को बनने में अच्छा खासा टाइम लगा है इस मूवी को ओरिजिनली साल 2017 में अनाउंस किया गया था पहले श्री वेंकेश्वरा क्रिएशंस से प्रोड्यूस कर रही थी लेकिन उन्होंने अपने हाथ वापस खींच लिए फिर लाइका प्रोडक्शंस को लाया गया उसके बाद मूवी की शूटिंग 2019 में शुरू हुई अगले साल ही फिल्म के सेट पर एक बड़ा हादसा हो गया था फरवरी 2020 में एक क्रेन एक्सीडेंट की वजह से तीन लोगों की मौत हो गई दस लोग बुरी तरह से घायल हुए इस हादसे के एक महीने बाद कोरोना पेंडामिक की वजह से सब कुछ बंद पड़ गया दो साल तक शूटिंग अटक गई मेकर्स ने किसी तरह से शूटिंग स्टार्ट की और उसे दो तक पूरा कर लिया शंकर ने फिल्म को पूरा करने में भले ही बहुत टाइम लिया लेकिन उनके पास फैंस के लिए एक गुड न्यूज़ भी है दरअसल उन्होंने इंडियन टो के साथ तीसरे पार्ट की शूटिंग भी कर ली है यानी दोनों पार्ट का शूट एक साथ ही निपटा दिया इंडियन टू 12 जुलाई को सिनेमा हरों में उतरेगी उसके बाद तीसरे पार्ट को 2025 में रिलीज किया जाएगा कमल हसन ने दो में अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो ड्रिल थी एक्टिंग छोड़कर फुल टाइम राजनीति में आने वाले हैं उस वक्त उसके आसार कम ही नजर आ रहे थे क्योंकि उन दिनों विश्व रूपम टू में नजर आने के बाद कमल की अगली फिल्म अनाउंस हो गई थी इंडियन टू 1996 में आई फिल्म इंडियन का दूसरा भाग अरे सनी देओल वाली नहीं कमल हसन वाली ये बात अलग है कि दोनों ही फिल्मों में देशभक्ति का तड़का था खैर कमल हसन की इंडियन एक विजिलांती ड्रामा थी विजिलांती का मतलब होता है गैर कानूनी तरीके से कानून को अपने हाथ में लेना इंडियन में कमल हसन का किरदार कुछ ऐसा ही था कुछ साल पहले आई हर्षवर्धन कपूर की फिल्म भावेश जोशी सुपर हीरो और 2014 में आई सलमान खान की किक इसी जोनो में आती है ये फिल्म तमिल तेलुगू और हिंदी में रिलीज होगी ट्रेलर लॉन्च के मौके पर अभिनेता सिद्धार्थ ने कहा कि ये फिल्म सिर्फ एक अखिल भारतीय प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि एक अखिल वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट है उन्होंने कहा कि इन अखिल भारतीय फिल्मों का चलन शुरू होने से पहले ही कमल हसन ने हिंदी में मूवी राजा बनाई थी और ये सौ दिनों से ज्यादा सिनेमा घरों में चली थी उन्होंने कहा कि कमल हसन ने तब एक अखिल भारतीय स्टार के तौर पर अपनी पहचान बनाई थी उन्होंने कहा जब मैं यहाँ इंडियन टू के लिए आया था तो हर कोई मुझसे कह रहा था कि यहाँ किसी दक्षिण भारतीय फिल्म का प्रमोशन चल रहा है ये दक्षिण भारतीय फिल्म नहीं है बल्कि ये अखिल भारतीय है अगर फिल्म सिर्फ दक्षिण भारत से जुड़ी होती तो इसका नाम सिर्फ दक्षिण भारतीय रखा जा सकता था ना कि भारतीय ना कि भारतेंदु या हिंदुस्तानी फिल्म को इस तरह से लिया गया है कि हर कोई इससे जुड़ सकता है ना कि सिर्फ दक्षिण भारतीय सिद्धार्थ ने कहा ट्रेलर लॉन्च कल भव्य तरीके से हुआ और इसे दर्शकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली इंडियन एक बाप बेटे की कहानी थी बाप एक ईमानदार आदमी जो भ्रष्ट लोगों को जान से मारकर समाज को साफ करना चाहता है लेकिन उसके सामने मुश्किल तब खड़ी हो जाती है जब उसे पता चलता है कि उसका बेटा भी उसी भ्रष्ट समाज का हिस्सा है अपने उसूलों और सिद्धांतों से समझौता न कर रहे वो अपने बेटे को भी वही सजा देता है जो अपने भ्रष्टाचारियों को उसने दी फिल्म में कमल हसन ने बाप और बेटी दोनों का ही किरदार निभाया था मतलब डबल रोल किया था नाइनटीन में रिलीज हुई इस मूवी को डायरेक्ट किया था शंकर ने रजनीकांत और अक्षय कुमार स्टार टू पॉइंट ओ की रिलीज के बाद से ही शंकर इंडियन के सीक्वल की तैयारी में लग गए थे उसी दौरान उन्होंने कमल हसन के साथ फोटोशूट वगैरह कर लिया था 15 जनवरी 2019 को पोंगल के मौके पर शंकर ने इंडियन टू का पहला पोस्टर रिलीज करते हुए अपनी इस नई फिल्म की जानकारी दी थी इंडियन टू में कमल हसन 80 साल के बुजुर्ग सेनापति के किरदार को दोबारा निभाते नजर आएंगे फिल्म तो के पहले पोस्टर में कमल हसन फिंगर क्रॉस किए हुए नजर आए पोस्टर में उनकी मुड़ी हुई उंगलियां फोकस में है में हैं और बैकग्राउंड शक्ल ब्लर हो रखी है। सीरीज की फिल्म में आमूलचूल बदलाव देखने को मिलेगा इसे यू भी कह सकते हैं कि हीरो डायरेक्टर और फिल्म के नाम को छोड़कर सब कुछ बदल चुका है इस मूवी का म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंदर कर रहे हैं अनिरुद्ध को पहचानने में आसानी के लिए बता दें कि 2012 में आई धनुष की फिल्म थ्री का गाना अनिरुद्ध ने ही बनाया था वो शायद वायरल होने वाला इंडिया का पहला गाना था भारतीय सिनेमा के मशहूर निर्देशक एस शंकर ने अपनी आगामी फिल्म इंडो को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है शंकर ने बताया कि उन्होंने इस फिल्म को दो भागों में बनाने का निर्णय क्यों लिया एस शंकर ने कहा कि इंडियन टू की कहानी बहुत ही जटिल है जब उन्होंने इसकी कहानी को आगे बढ़ाया तो उन्हें एहसास हुआ कि इसे एक ही फिल्म में समेटना बहुत ही मुश्किल है इसलिए उन्होंने इसे दो भागों में बनाने का फैसला लिया ताकि कहानी के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को सही ढंग से दिखाया जा सके ताकि ऑडियंस को पूरी कहानी का सही एक्सपीरियंस मिले इंडियन टू को लेकर एस शंकर ने बताया कि पिछली फिल्म एक राज्य पर आधारित थी वहीं इंडियन टू पूरे देश की कहानी को दिखाएगी ऐसे में कहानी को सिर्फ एक फिल्म में समेटना न्याय करना नहीं होगा रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा पहला पार्ट एक राज्य के इर्द गिर्द घूमता है पहली फिल्म अपने आप में तीन घंटे बीस मिनट की फिल्म है अब कहानी पूरे देश में सभी राज्यों में फैल गई है इसलिए कहानी बड़ी हो गई है हमारा शुरुआत में सिर्फ एक पार्ट बनाने का इरादा था फिल्म मेकिंग शुरू करने के बाद और जब मैं एडिटिंग रूम में बैठा तो मेरे हिसाब से सभी सीन बहुत ही अच्छे निकले उन्होंने आगे कहा अगर सिर्फ जानने के लिए आपको इसे एक पार्ट में बनाना है अगर मैं पूरी चीज़ को शॉट कर दूँ तो हर सीन की आत्मा हर सीन की भावना खो जाएगी मैं देख सकता हूँ कि उस कहानी के दो हिस्से हैं हर हिस्से की अपनी ताकत पूरा रूप है आकर्षक सीन है एक शुरुआत है अहम पाठ है एक क्लाइमैक्स है और एक अंत है इसलिए ये दो पार्ट में हमने बनाने का निर्णय लिया कमल हसन की आने वाली फिल्म पर सेंसर बोर्ड ने कैंटी चला दिया है बोर्ड की तरफ से फिल्म इंडियन टू को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है फिल्म प्रोड्यूसर को सात शब्द हटाने के निर्देश के साथ ही फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट यानी सीबीएफसी की तरफ से बिना किसी कट के सर्टिफिकेट मिल गया है जिन सात शब्दों को हटाने का निर्देश दिया गया है वो तमिल और इंग्लिश के शब्द हैं। सीबीएफसी के यूए सर्टिफिकेट के बाद अब सभी उम्र के लोग इस फिल्म को देख सकते हैं मूवी से सात शब्दों को हटाने के अलावा मूवी के एक सीन को ब्लर करने का निर्देश भी दिया गया है सी की तरफ से मेकर्स को यह भी कहा गया है कि स्मोकिंग डिस्क्लेमर को पहले से ज्यादा विजुअलाइज किया जाए इसके लिए गाइडलाइन दिया गया है कि शब्दों को बोल्ड ब्लैक कलर और व्हाइट बैकग्राउंड में लिखा जाए इसके अलावा ब्राइब मार्केट के लेवल को भी हटाने के लिए कहा गया है इन सभी चेंजेस के साथ फिल्म हिंदी तमिल और तेलुगू भाषा में पूरे देश में रिलीज़ होगी इंडियन जो फिल्म का कुल रन टाइम 180 मिनट के करीब होने वाला है इससे पहले इंडियन का रन टाइम 185 मिनट के करीब था जिसको 1996 में रिलीज़ किया गया था निर्देशक शंकर और कमल हसन ने भी इंडियन थ्री की रिलीज़ की पुष्टि की है फिल्म की शूटिंग भी हो चुकी है लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन का काम अभी बाकी है हाल ही में कार्यक्रम में शंकर ने कहा कि वो इंडियन टू की रिलीज के बाद पोस्ट प्रोडक्शन का काम स्टार्ट कर देंगे लाइका प्रोडक्शंस और रेड ज्वाइंट मूवीज द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित इस मूवी का संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र ने किया है संपादन श्री कर प्रसाद ने किया है और छायांकन रवि वर्मा ने किया है फिल्म को लेकर काफी क्रेज देखने को मिल रहा है लेकिन रिलीज से बहुत पहले ही फिल्म की ओटीटी रिलीज का ऐलान कर दिया गया चलिए जानते हैं इंडियन टू किस ओ डी प्लेटफॉर्म पर और कब रिलीज होगी कमल हसन की फिल्म इंडियन टू सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद ओ डी प्लेटफॉर्म पर भी दस्तक देगी इसका ऐलान सोशल मीडिया पर किया गया है ये फिल्म ओ डी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की जाएगी नेटफ्लिक्स ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर मूवी की रिलीज का ऐलान किया नेटफ्लिक्स ने मूवी का एक पोस्टर शेयर कर कैप्शन में लिख डाला इंडियन टू जल्द ही नेटफ्लिक्स पर हिंदी तमिल तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज होगी लेकिन हाँ एग्जैक्ट डेट नेटफ्लिक्स ने भी रिवील नहीं किया है बता दें कि फिल्म का टीज़र रिलीज हुआ था जो काफ़ी शानदार था इस टीज़र में कमल हसन का, का काफ़ी दमदार लुक देखने को मिला था टीजर में कमल हसन डायलॉग बोलते सुनाई दे रहे हैं कि जहाँ पर अन्याय होगा वहां पर मैं ज़रूर आऊंगा हिंदुस्तानी की मौत नहीं होगी टीजर काफी दमदार था जिसके देखने के बाद ऑडियंस की फिल्म की रिलीज को लेकर उत्सुकता और भी बढ़ गई थी कमल हसन की फिल्म में वो भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध लड़ते दिखेंगे मूवी के पहले पार्ट की तरह इस पार्ट में भी खास मैसेज देखने को मिलने वाला है ऑडियंस को सीक्वल यानी इंडियन टू में एस जे सूर्या मुख्य खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं और अभिनेता ने प्रचार के दौरान खुलासा किया है कि उनका खलनायक किरदार इंडियन टू में एक विस्तारित कैमियो से ज्यादा है अभिनेता ने कहा इंडियन टू में मैं सिर्फ एक छोटे से विस्तारित कैमियो में नजर आ रहा हूँ इंडियन थ्री में मेरे किरदार के लिए ज्यादा ठोस हिस्से होंगे इसलिए इन फिल्मों का लगातार आनंद लें इंडियन थ्री इंडियन टू के छः महीने बाद रिलीज की जाएगी एस जे सूर्या ने सिंगापुर में इंडियन टू फैंस मीट के दौरान बताया कि हालांकि इंडियन टू में कमल हसन के साथ उनका पहला सहयोग है लेकिन निर्देशक से अभिनेता बनने फिल्म निर्माण में कदम रखने से पहले ही कमल हसन के साथ काम करने के इच्छुक थे उन्होंने कहा जब मैं एक सहायक निर्देशक के रूप में शुरुआत करना चाहता था तो मुझे पता चला कि मरुद नायगम कमल हसन द्वारा निर्देशित निर्मित और मुख्य भूमिका वाली एक अप्रकाशित ऐतिहासिक ड्रामा पर काम चल रहा था इसलिए मैं एक मौका मांगने के लिए कमल सर के पास गया मैं उस समय जस्टिन नाम से जाना जाता था एस जी सूर्य उनका मंच नाम है जो उन्हें एडी के दिनों में दिया गया था उन्होंने कहा मैं राज कमल कार्यालय में कमल हसन सर से मिला और उन्हें बताया कि मैं लोयला कॉलेज का छात्र हूँ उन्होंने एक उच्चारण के साथ कहा मुझे जस्टिन बताओ इससे पहले या बाद में किसी ने भी मेरा नाम इतनी खूबसूरती से नहीं बोला था इसके बाद मैं फिल्म मरुधा नायकम पर काम करने के लिए कमल हसन सर से संपर्क नहीं कर सका वे स्वयं ऐसी स्थिति में थे कि वो फिल्म को वहाँ तक नहीं ले जा सके वो ले जाना चाहते थे 1997 के बाद से मरुद नायकम का निर्माण कई बार पुनर्जीवित किया गया लेकिन कोई फायदा ही नहीं हुआ ये आश्चर्यजनक की बात है कि उन दिनों से कमल हसन के साथ काम करने का अवसर पाने की मेरी इच्छा इतने वर्षों के बाद इंडियन टू और इंडियन थ्री में पूरी हुई है ये एक आशीर्वाद है कि जो लंबे इंतजार के बाद प्राप्त हुआ है हाल ही में जब मैंने अपनी सिद्धार्थ सर और कमल हसन सर की तस्वीरें देखी तो मैंने सिद्धार्थ से मजाक में कहा हम तीनों एक साथ एक फिल्म में होना कितना अच्छा है ना इंडियन टू के प्रमोशन के दौरान ऐसे सूर्या के बयानों से भी पता चलता है अभिनेता कमल हसन के लिए कितना सम्मान रखते हैं सिंगापुर में एस सूर्या ने कहा अगर कला समुद्र है तो समुद्र के साथ तालमेल बिठाने वाली वेल कमल हसन सर हैं एक समुद्र से बाहर कूदती है सरपल डाइव वापस पानी में आती है खड़ी होती है मौके पर ही सभी तरह से जादू करती है मैं कमल हसन वेल को किनारे से एक छोरी मछली के रूप में देखता हूँ ये एक ऐसी खुशी है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता भारत वापस आकर एस जे सूर्या ने एक वर्ष सेनापति की भूमिका निभाने के लिए कमल हसन के प्रयासों की बहुत ही तारीफ की एक अभिनेता के रूप में बहुत बढ़िया प्रयास पूरी तरह से धैर्य कमल हसन ने दिखाया है केवल मेकअप इंडियन टू के लिए 8 घंटे लगे ये सुबह साढ़े तीन बजे से स्टार्ट होता था प्रोस्थेटिक लगाने के छः घंटे के भीतर शॉर्ट देना होता था एक अभिनेता को केवल अभिनय के लिए

के पिछले हिस्से की तरह देती हैं इंडियन टू और इंडियन थ्री में भूमिका पाने के बारे में बताते हुए ऐश सूर्या ने कहा गेम चेंजर में रामचरण के साथ मेरे कुछ सीन्स देखने के बाद निर्देशक शंकर ने मुझे इंडियन टू में मुख्य खलनाए की भूमिका निभाने के लिए चुना ये मेरे करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है शंकर सर इंडियन टू के दृश्य को लेकर बहुत ही सुराक्षमत थे और उन्होंने डबिंग के दौरान मुझे अपने अलावा कोई अन्य भाग देखने को नहीं दिया मैं भी सभी की तरह इंजन टू और इंजन थ्री का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ दोपहर करीब तीन बजकर पंद्रह मिनट राजा भोज सेतु पर एक बुजुर्ग आदमी भरी ट्रैफिक के बीच घोड़ा दोहरा रहा था पीछे इस आयरन बजाती पुलिस की जिप्सिया और बाइक पर पुलिस वाले थे भीड़ भाड़ भरी सड़क पर लोगों को समझने में थोड़ा वक्त लगा कि ये फिल्म की शूटिंग चल रही है कमल हसन की मूवी इंडियन टू की शूटिंग घोड़े के आगे एक कैमरा ट्रॉली चल रही थी और आसमान पर दो ड्रोन भी मंडरा रहे थे सेतु के किनारे फुटपाथ पर कुछ कुछ दूरी पर तीन कैमरे लगी थी और से देखने पर पता चलता है कि घोड़े पर बैठे शख्स ने कमल हसन का मास्क लगा रखा है ठीक जैसा वह इंडियन में दिखे थे हालांकि शूटिंग के लिए कमल हसन भी भोपाल पहुंच गए थे शहर में पहली बार मद्रास की प्रोडक्शन यूनिट लाइका प्रोडक्शन शूटिंग के लिए आई थी शूटिंग से जुड़े शहर की जील एंटरटेनमेंट के सैयद जैद अली ने बताया शहर में मुंबई के कई डायरेक्टर और प्रोडक्शन यूनिट शूटिंग कर चुकी है लेकिन पहली बार साउथ का कोई प्रोडक्शन हाउस शूट करने आया है इस मूवी का शेड्यूल शहर में आठ दिनों तक का था जिसमें अलग अलग स्थान पर शूटिंग होगी भोपाल के शेड्यूल के बाद ताइवान और यूरोप के देशों में भी शूटिंग होगी कमल हसन वाले सीक्वेंस के अलावा ग्वालियर मेला मैदान का सीन भी शूट हुआ इसके लिए एक बाल मैदान को ग्वालियर का मेला मैदान दिखाया गया इंडियन टू की शूटिंग के लिए 30 से ज्यादा फोर व्हीलर 250 लोकल ड्राइवर 2000 लोकल कलाकार 55 सदस्य लोकल क्रू मेंबर्स को शामिल किया गया है निर्माताओं ने इस बड़े पैमाने पर होने वाले एक्शन सीक्वेंस के लिए चालीस करोड़ रुपए खर्च किए हैं फिल्म मेकर शंकर की एंथरीन और आय के साथ आए काम करने वाली राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पीटर हेन को इस एक्शन सीक्वेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है भोपाल से लीक हुई ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी इंडियन टू के सेट से कमल हसन की सेना के सेनापति किरदार के फोटो लीक हो गए हैं फोटो में कमल हसन अपने किरदार के गेटअप को लास्ट मिनट टचअप देते नजर आ रहे। होते ही सोशल मीडिया पर, कर पर शूटिंग करते हुए भी देखा गया फिल्म का अंतम शेड्यूल इस समय चेन्नई में फिल्माया जा रहा था इस बीच से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई थी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चेन्नई एयरपोर्ट के अधिकारियों ने फिल्म की शूटिंग को अचानक रुकवा दिया था बताया जा रहा है कि अनुमति न लेने की वजह से ये कदम उठाया गया बता दें कि इस मूवी के कुछ हिस्सों को डिपार्टर एरिया में शूट किया गया है इसके लिए टीम की तरफ से परमिशन भी ली गई थी लेकिन फिर मूवी के क्रू ने एयरपोर्ट के टॉयलेट एरिया में एक सीन शूट करना चाहा जिसके लिए परमिशन नहीं ली गई थी इससे पहले की रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोडक्शन हाउस ने चेन्नई हवाई अड्डे के आवश्यक स्थानों में शूटिंग करने की अनुमति प्राप्त की थी और कथित तौर पर हवाई अड्डे के प्रबंध को जीएसटी सहित एक करोड़ चौबीस लाख रुपए का भुगतान दिया था खबरें ये हैं कि इंडियन टू में शंकर ने डी एजिंग टेक्नोलॉजी यूज किया है ये वही टेक्नोलॉजी है जो रोबोट डी नीरो और अल की फिल्म आयरिश मैन में इस्तेमाल की गई थी इससे एक्टर्स की उम्र को कम करके दिखाया जाता है इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अमूमन फ़्लैशबैक वाले सीन्स में किया जाता है 1996 में आई इंडियन के कुछ किरदारों को भी नई फिल्म में जगह दी गई है उन्हें एआई की मदद से बनाया जाएगा फिल्मों की की कहानी अलग अलग टाइमलाइन और पीरियड में सेट की जाती है जिसे तकनीकी भाषा में मल्टीवर्स कहा जाता है टेक्नोलॉजी के आने से पहले एक्टर्स को यंग लुक देने के लिए काफी हद तक मेकअप का इस्तेमाल किया जाता था या फिर किसी दूसरे चाइल्ड एक्टर को कास्ट करने का ऑप्शन होता था लेकिन अब डी एजिंग टेक्नोलॉजी के जरिए आप अपने फेवरेट एक्टर को उसके यंग लुक में देख सकते हो फिल्मों में डी एजिंग का इस्तेमाल एक्टर्स को उसके यंग लुक या ओल्ड लुक में दिखाने के लिए किया जाता है डी एजिंग तकनीक में किसी कैरेक्टर के यंगो वर्जन को दिखाने के लिए अभिनेता की उम्र उसकी वास्तविक उम्र से आधी या उससे ज़्यादा दिखाई जाती है ये प्रक्रिया पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान की जाती है जिसमें आमतौर पर डिजिटल कॉपी को एडिट किया जाता है इस तकनीक के साथ शोरिंग करने के लिए सितारों के चेहरे पर काले रंग की छोटी छोटी बूंदों बनाई जाती है जिसके ज़रिए एक्टर थ्री मॉडल बनाया जाता है इसके बाद एक्टर के सिर के मूवमेंट के साथ स्क्रीनाइज किया जाता है बाद में इन बिंदुओं को एक्टर के असली चेहरे में जोड़ दिया जाता है अब इस फिल्म से जोड़ी खबर ये आ रही है कि इसके डिजिटल राइट्स भयंकर महंगे बिके हैं शाहरुख खान की जवान और डंकी से भी महंगे सत्ताईस साल बाद शंकर और कमल हसन किसी मूवी पर साथ काम कर रहे हैं इंडियन टू की शूटिंग पूरी हो चुकी है मूवी रिलीजिंग का काम चल रहा है लोकेश कनक की विक्रम ने कमल हसन के एक्टिंग करियर को दोबारा से पंख लगा दिए हैं उनकी फिल्में वापस डिमांड में आ गई हैं। इसी का नतीजा है कि इंडियन टू के डिजिटल राइट्स रिकॉर्ड प्राइस पर बिके हैं ट्रैक टॉलीवुड नाम की वेबसाइट के मुताबिक नेटफ्लिक्स ने इंडियन टू की स्ट्रीमिंग राइट्स 200 करोड़ रुपए में खरीद लिए हैं इंडिया टू की स्ट्रीमिंग राइट्स की कीमत शाहरुख खान की जवान और डंकी से भी कई ज्यादा है जवान के डिजिटल सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स की कीमत लगी है दो सौ पचास करोड़ रुपए तीस से पैंतीस करोड़ में मूवी के म्यूजिक राइट्स बिके जो कि टी सीरीज ने खरीदे फिल्म के सैटेलाइट राइट्स गए हैं जी टीवी को मगर उसकी कीमत पता नहीं चल सकी जिस फिल्म के म्यूजिक राइट्स तीस करोड़ में खरीदे जा रहे हैं उसके सैटेलाइट राइट्स की कीमत तीस से चालीस करोड़ रुपए से कम क्या ही लगेगी अगर 250 में से 60-70 करोड़ निकाल दे तो जवान के डिजिटल राइट्स की कीमत 180 से 90 करोड़ हो जाती है यह फिल्म रिलीज रिलीज के बाद नेटफ्लिक्स पर होगी किसी हिंदी फिल्म के लिए अनसुनी रकम है मगर जवान सिर्फ हिंदी नहीं बल्कि पैन इंडिया फिल्म है इसे हिंदी के साथ तमिल तेलुगु भाषाओं में भी रिलीज किया गया वहीं राजकुमार हिरानी डायरेक्टेड फिल्म डंकी की स्ट्रीमिंग राइट्स जियो सिनेमा ने एक करोड़ में खरीदे जबकि वो फिल्म सिर्फ हिंदी में रिलीज़ हो थी इन दोनों फिल्मों से ज़्यादा इंडियन टू के डिजिटल राइट्स की प्राइस है इसे भी 200 करोड़ रुपए में नेटफ्लिक्स नहीं खरीदा है इंडियन टू को लेकर मार्केट में ज़्यादा बज इसलिए भी है क्योंकि 2.0 के बाद शंकर की अगली फिल्म 2.0 ने दुनिया भर से 700 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई की थी इंडियन टू के अलावा ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जिसमें डीएच रिंग टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है इस साल की सबसे बड़े इंडियन प्रोजेक्ट्स में गिनी जा रही फिल्म कल्कि 289880 से अमिताभ बच्चन का किरदार हाल ही में रिवील किया गया फिल्म में अमिताभ अश्वथामा का किरदार निभा रहे हैं मूवी में 81 साल के अमिताभ का यंग अवतार देखकर जनता तो दंग रह गई फिल्म के हिसाब से मूवी के ज्यादातर हिस्सों में वो अपनी रियल उम्र के हिसाब से उम्र दराज किरदार में दिखेंगे मगर फ्लैशबैक में उनके जवान दिनों की कहानी भी नजर आएगी जिसकी एक झलक देखकर ही जनता दंग रह गई उनके इस किरदार की उम्र 40 साल से जरा भी ज्यादा नहीं लग रही यानी उनकी रियल उम्र से आधी कल की टू एट नाइन ईट एडी के टीजर में अमिताभ बच्चन का यंग अवतार हु बहू वैसा ही दिख रहा है जैसे वो अपनी पुरानी फिल्मों में दिखते थे अमिताभ के इस यंग लुक ने कई सोशल मीडिया यूजर्स को इतना हैरान कर दिया कि उन्होंने ये भी पूछ डाला कि कहीं अमिताभ के किरदार के जवानी वाले पोर्शन में अभिषेक बच्चन तो नहीं है यहाँ तक तो जनता का कन्फ्यूजन फिर भी जायज़ है क्योंकि आखिर अमिताभ के बेटे अभिषेक की शक्ल तो उनसे काफी मिलती जुलती ही है लेकिन रजनीकांत के मामले में तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता ना पिछले साल आई फिल्म जेलर में फ्लैशबैक के सीन्स में सुपरस्टार रजनीकांत का यंग अवतार नजर आया जिसे देखकर ऑडियंस जितनी खुश हुई उतनी तो ही हैरान भी इसमें रजनीकांत बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे जैसे वो जवानी में अपनी फिल्मों में नजर आते थे रजनीकांत के लिए ये कोई नई बात नहीं है लेकिन पहले उनकी फिल्मों में ये काम उनके मेकअप वेक और हेयर स्टाइल बदलकर किया जा रहा था बाकी का कैमरा मैन करता था लाइटिंग करती थी फिल्टर्स हो रहा है ये सब करते थे मगर ट्रेलर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अब आप भी सोचने लगे कि ये कमाल हो कैसे रहा है आखिर इतने सीनियर एक्टर्स बिना बॉडी डबल के अपनी रियल उम्र से आधी उम्र कैसे हो जा रहे हैं उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को अंग्रेजी में कहते हैं एजिंग और इसका उल्टा यानी उम्र घटाने को कहा जाता है डी एजिंग टेक्नोलॉजी हर दिन तो कुछ नए कमाल कर रही है उसका असर तो हम लोग रोजाना डीप फेक और एआई मेट के जरिए देख ही रहे हैं मगर इनके पहले से सिनेमा में एक टेक्नोलॉजी यूज की जाने लगी थी डिजिटल डी एजिंग यानी स्क्रीन पर डिजिटली कैरेक्टर की उम्र घटाना यह एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, है के के पूरा डाटा निकाल लिया जाता है ये डाटा एक आर्टिफिशियल इमेज तैयार करता है जो एक्टर की जवानी के दिनों की सूरत से मिलती है फिर इसे कंप्यूटर जनरेटेड इमेज यानी सी के जरिए इन्हें टचअप किया जाता है यंग बनाया जाता है और फिर एक्टर्स के रियल एक्सप्रेशन जोड़े जाते हैं हीरो के जिनके जरिए रियल एक्टर्स लिए जाते हैं और उन्हें कंप्यूटर जनरेटेड इमेज के साथ मैच किया जाता है और इस तरह स्क्रीन पर एक जीता जागता कैरेक्टर उतर कर आता है जो उसी एक्टर का यंग वर्जन है जो फिल्म में बूढ़ा भी दिख रहा है फिल्म भारत में इसी डिजिटल डी एजिंग के इस्तेमाल से सलमान खान को फिल्म में यंग भी दिखाया गया था जबकि मेकअप इस्तेमाल करके उन्होंने अपनी रियल उम्र से कहीं ज्यादा उम्र का भी एक किरदार निभाया ऐसा इसलिए कि मेकअप के इस्तेमाल से बूढ़ा दिखाना ज्यादा आसान है मगर यंग दिखाना बहुत मुश्किल क्योंकि इसके लिए सिर्फ चेहरे की स्किन से झुरिया ही नहीं हटानी होती बल्कि चेहरे के फीचर्स में भी थोड़ा बदलाव लाना होता है इसलिए यंग दिखने के लिए डिजिटल अभी तक की बेस्ट टेक्नोलॉजी है। हाल ही में कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार शिवराज कुमार को फिल्म घोस्ट में स टेक्नोलॉजी से इतना रियल तरीके से जवान दिखाया गया कि फैंस का मुंह खुला का खुला रह गया था मगर क्या आपको पता है कि इंडियन सिनेमा में ये टेक्निक्स सबसे पहले लेकर कौन आया था सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म रावण को उनकी बेस्ट फिल्म ही माना जाता लेकिन इस मूवी का एक बहुत बड़ा योगदान है शाहरुख ने 2006 में रेट रेज वी कंपनी शुरू की थी रावण सिर्फ एक महत्वाकांक्षी सुपर हीरो प्रोजेक्ट ही नहीं थी बल्कि इस फिल्म से उनकी कंपनी ने इंडियन और वर्ल्ड सिनेमा दोनों को ये दिखाया कि उनके तर्कश में सिनेमाई तकनीक का कितना बड़ा ब्रह्मास्त्र आ गया है इस मूवी में शाहरुख के दो वर्जन थे एक रियल साइंटिस्ट और दूसरा उनका गेमिंग कैरेक्टर अवतार जीवन को गेमिंग कैरेक्टर की तरह दिखाने के लिए डिजिटल री इस्तेमाल की गई थी ये इंडियन सिनेमा में एक तकनीक का पहला ऑफिशियल कबूल किया गया था इस्तेमाल था ऐसा होता है कि फिल्मों में बेहतर लुक के लिए एक्टर्स की उम्र डिजिटली जाती है मगर मेकर्स इसे स्वीकार नहीं करते क्योंकि एक्टर इमेज भी खराब होती है और ये फील आता है कि उसकी उम्र बढ़ रही है मगर जहाँ ये किरदार को सूट कर रहा है और फिल्म की जान बन रहा है वहां अक्सर मेकरस खुलकर इसका प्रचार भी करते हैं कि उन्होंने एक नई टेक्निक फिल्म में इस्तेमाल की है हाल ही में रजनीकांत की फिल्म कूली कांत के डिजिटल अमिताभ का डिजिटली डी एज किया गया अवतार अभी से दर्शकों में बहुत ही चर्चा का विषय है और अब कमल हसन ऐसे में अगर ये फिल्म में कायदे की स्टोरी लाइन और एक्शन के साथ नजर आया तो सिनेमा फैंस के शोर से थिएटर की डेसेबल लेवल यकीनन बहुत ही बढ़ जाएगी हिंदी सिनेमा और उसके संगीत के बारे में तमाम बातें होती हैं मसलन सेवेंटीज़ के बाद के गानों में वो बात नहीं रही ब्लैक एंड वाइट टाइम में सबके लिरिक्स बहुत ही मीनिंगफुल और एवरग्रीन रहे हैं इंडियन टू में भी छः गाने हैं जिसमें वो पुराने ज़माने वाला तड़का तो नहीं है लेकिन गाना है सुना जा सकता है कमल हसन और शंकर की बेहतरीन फिल्म इंडियन टू का प्रतिशत पहला सिंगल आखिरकार रिलीज हो गया पारा नाम का ये गाना संगीतकार अनिरुद्ध रविचंद्र निर्देशक शंकर गीतकार पा विजय और कमल हसन के बीच एक महत्वपूर्ण सहयोग को दर्शाता है इस गाने ने अपनी स्ट्रॉन्ग कोलोनियल विरोधी थीम के साथ दर्शकों को आकर्षित करना स्टार्ट कर दिया पारा एक इंस्पायर्ड गीत है जो कमल हसन के कैरेक्टर द्वारा पूरे भारतीय फिल्म के देशभक्त की यादों को समेटे हुए है ये ट्रैक नेशन के प्राइड की फीलिंग्स और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ता है और लोगों को जगाने के लिए बनाया गया है जो फिल्म का थीम है पारा के लिए अनिरुद्ध रविचंद्र की रचना पारंपरिक भारतीय संगीत तत्वों को आधुनिक सिनेमाई ध्वनि के साथ उपलब्ध हैं जो उनकी पंक्तियों की एक विशिष्ट विशेषता है अधिकांश गीतात्मक वीडियो के विपरीत हमें पारा में दृश्य नहीं मिलता क्योंकि शंकर को अपनी फिल्म को रिलीज होने तक सुरक्षित रखना बहुत पसंद है ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि ये गाना सेनापति के पिता के लिए है क्योंकि इंडियन टू में कोलिरियन शासन के दौरान बचपन को दिखाने की कोशिश की गई है इसके बजाय हमें सीजीआई जनरेटेड दृश्य मिलते हैं जिसमें एक एक व्यक्ति सेना ब्रिटिश सैनिकों के विशाल बड़े को मार गिराता है और इस गाने को अनिरुद्ध रविचंद्र और श्रुतिका समुद्रला ने गाया है इसके अलावा इस गाने में थोड़ा रोमांस भी है जो फिल्म के पहले भाग के यादगार पलों में से एक है पारा गाना रिलीज करने के बाद निर्माताओं ने कदरा लज नामक गाना रिलीज किया जिसे हिंदी में दादा आ आ रे नाम से भी रिलीज़ किया सात जून को इस गाने का लिरिकल वीडियो रिलीज़ किया गया गाने के दोनों वर्जन अनिरुद्ध रविचंदन द्वारा रचित और गाए गए हैं हालांकि जहां राकेश ने कदराल के बोल लिखे हैं वहीं कुमार के दादा आर आर के लिए हिंदी में बोल लिखने का काम भी संभाला वीडियो में सिद्धार्थ को इस गाने पर नाचते हुए दिखाया गया है जिसमें वो कमल हसन की स्टारम का जश्न मना रहे हैं जो फिल्म मेक सेना के दिग्गज और स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका निभा रहे हैं साउथ सिनेमा के दिग्गज फिल्म मेकर शंकर के निर्देशन में बनी इंडियन इस दौर में अपनी शानदार कहानी से हर किसी का दिल जीत लिया इस मूवी में दिखाया गया है कि एक पूर्व स्वतंत्रता सेनानी के रूप में कमल हसन रिश्वतखोरों की अकल ठिकाने लगाते हैं आलम ये रहा कि कमल हसन की इंडियन ने 27 साल पहले वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार किया है उस समय के हिसाब से फिल्म की कमाई काफ़ी शानदार मानी गई और ये पहली ऐसी तमिल मूवी रही जिसने नाइनटीन में इतना अधिक कारोबार किया कमल हसन ने अपने फिल्मी करियर में कई ऐसी मूवीज़ की हैं जिनमें वो अलग अलग किरदारों में नज़र आए फिल्म इंडियन में भी कमल हसन दोहरी भूमिका में नज़र आए हैं जहाँ एक और कमल एक नौजवान के रूप में दिखाई दिए हैं और दूसरे रूप में तो एक बुजुर्ग के रोल में दिखाई दिए ऑडियंस को इंडियन में कमल हसन की दोहरी भूमिका बहुत ही पसंद आई जिसके चलते इस मूवी ने फैंस का ड्रम कर मनोरंजन किया मूवी इंडियन को लेकर उस दौर में क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से धमाकेदार रिस्पॉन्स मिला जिसकी वजह से ये फिल्म कमल हसन की फिल्मी करियर की सबसे शानदार फिल्मों में से एक मानी जाती है बताया जाता है कि इंडियन को लेकर दर्शकों में इतना क्रेज देखने को मिला जिसके चलते ये फिल्म महीनों तक सिनेमाघरों में चली इस मूवी में हिंदी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस उर्मिला और मनीषा कोयराला लीड रोल में नजर आई थी बॉक्स ऑफिस पर आपार सफलता के बाद कमल हसन की इंडियन ने कई अवार्ड शो में जीत का परचम लहराया राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार राज्य फिल्म पुरस्कार फिल्म पुरस्कार दक्षिण और सिनेमा एक्सप्रेस अवार्ड्स में इंडियन ने अलग अलग कैटेगरी में बाजी मारकर कामयाबी का अनोखा अध्याय लिखा कमल हसन को इस मूवी के लिए 1997 में नेशनल फिल्म अवार्ड्स के दौरान बेस्ट एक्टर के खिताब से भी नवाजा गया था अभिनेता फिल्म निर्माता कमल हसन हाल ही में चेन्नई में शनिवार शाम को अपनी अपकमिंग फिल्म टू के ऑडियो लॉन्च इवेंट में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने राजनीति पर भी बातें की बाद में रात में हसन ने माइक संभाला और एक जोशीला भाषण दिया कि आज के समय में भारतीय होने का क्या मतलब है अभिनेता ने सदियों पुरानी फूट डालो और राज करो की नीति के बारे में बात की और सवाल किया कि एक तमिल को देश पर शासन क्यों नहीं करना चाहिए इंडियन टू टीम का शुक्रिया अदा करने के बाद अभिनेता ने कहा अंग्रेज़ों द्वारा इस्तेमाल की गई फूट डालो और राज करो की नीति अब काम नहीं कर सकती जब उनकी रणनीति विफल हो गई तो अंग्रेजों के पास वापस जाने के लिए एक जगह थी अगर यहाँ के लोग भी ऐसा ही करते हैं तो उन्हें याद रखना होगा कि उनके पास वापस जाने के लिए कोई जगह नहीं है आगे कमल हसन कहते हैं जहाँ तक मेरी पहचान की बात है तो मैं एक तमिल हूँ और फिर एक भारतीय यही आपकी भी पहचान है एक तमिल जानता है कि कब शांत रहना है और कब नहीं पहले एक समय पर मैंने कुछ कहा और मुसीबत में पड़ गया था लेकिन अब मैं इसके बारे में चिंता नहीं करता भारतीय थाथा के रूप में मुझे नस पर चोट करनी है है ना तो ये रहा ऐसा दिन क्यों नहीं आना चाहिए जब कोई तमिलियन भारत पर राज करेगा ज़रा सोचिए हमने भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनाई इसलिए हम इसे भी साकार करेंगे कमल हसन हाल ही में कल 8980 टू एट नाइन एट भी नज़र आए इसके बाद उनकी फिल्म इंडियन टू भी रिलीज़ के लिए तैयार है इस मूवी के बाद वे ठग लाइक पर पूरी तरह से जुट जाएंगी इन सब के बीच कमल हसन ने यह भी बताया कि इंडियन थ्री के बारे में उनके क्या विचार हैं साउथ सुपरस्टार कमल हसन को फिल्में करते हुए काफ़ी लंबा वक्त हो गया है एक्टर पाँच दशक से फिल्में कर रहे हैं और आज भी वे सत्तर साल की उम्र में लीड कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं आगटर की इंडियन टू लंबे वक्त के बाद आने जा रही है इसके अलावा वे थग लाइक नाम की फिल्म का भी हिस्सा हैं इसके अलावा आक्टर ने अब अप, अपने एक और ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में खुलासा कर दिया है उन्होंने बताया कि वो इंडियन टू फिल्म को लेकर जितने एक्साइटेड हैं उससे भी ज़्यादा एक्साइटेड इंडियन थ्री को लेकर हैं कमल हसन ने सिंगापुर में अपनी फिल्म इंडियन टू के प्रमोशन के दौरान कहा था कि उन्होंने इंडियन टू सिर्फ इसलिए की क्योंकि वे इंडियन थ्री को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं लेकिन मीडिया में ये बात कुछ इस तरह से सर्कुलेट हो गई कि जैसे कमल हसन कह रहे हों कि इंडियन टू फिल्म में वो बात नहीं है अब कमल हसन ने अपने हालिया प्री रिलीज़ इवेंट के दौरान कहा कि अगर ये वो कह रहे हैं कि इंडियन थ्री उनकी पसंदीदा है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उन्हें इंडियन टू पसंद नहीं है हालिया बयान में कमल हसन ने क्लरिफाई करते हुए कहा अगर मैंने कहा है कि मैं इंडियन थ्री को पसंद करता हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इंडियन टू को पसंद नहीं करता जब आप खाना खाते हो तो आप हमेशा मीठे की तरफ आकर्षित होते हो इंडियन थ्री को लेकर मेरा इंतज़ार ठीक वैसा ही है ये तो ठीक वही बात हो गई कि जैसे कोई ये पूछे कि आपको अपने माता पिता में से कौन ज़्यादा पसंद है मैंने फिल्म की तीसरी पार्ट के लिए रिक्वेस्ट नहीं की थी पहले इस मूवी का सिर्फ एक ही पार्ट था तो ऐसे में इंडियन थ्री को लेकर मेरे प्यार की तुलना इंडियन टू से ना करें फिल्म इंडियन टू के रिलीज होने में अब कुछ ही घंटे बाकी हैं कमल हसन के प्रशंसक एक बार फिर से उन्हें सेनापति के किरदार में देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड नजर आ रहे हैं लेकिन दूसरी ओर अभी तक टिकट खिड़की पर दर्शकों की उत्सुकता देखने को नहीं मिली है तेलुगु वन टू थ्री की एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु में पहले दिन के लिए वन थाउजेंड वन हंड्रेड सेवेंटी थ्री शो के टिकट्स की बिक्री हो रही है। हैरानी की बात ये है कि इनमें से अब तक केवल चौबीस परसेंट की ही बुकिंग हुई है बता दे कि फिल्म 12 जुलाई 2024 को आएगी ऐसे में दो पहले भी इंडियन टू को लेकर माहौल ना बन पाना निर्माताओं के लिए चिंता का सबब बन सकता है हिंदी और तेलुगु में तो स्थिति और भी चिंताजनक है रिपोर्ट के मुताबिक हिंदी में अभी तक 121 शो के लिए 124 टिकट की ही बिके हैं वहीं तेलुगू में 68 शो के लिए 405 टिकट्स ही बिके हैं साफ है कि केवल तमिल ऑडियंस के बीच ही फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट दिखाया जा रहा है और वहीं टिकट खिड़की तक पहुंच रहे हैं मीडिया रिपोर्ट्स की मानिए तो हैदराबाद में कमल हसन की फ़िल्म की टिकट के दाम बढ़ा दिए गए हैं मल्टीप्लेक्स में इंडियन टू टिकट पर पचपन रुपये का इजाफा किया गया है जबकि सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों की टिकट पर पचास रुपये बढ़ाए हुए हैं इस हिसाब से हैदराबाद में मल्टीप्लेक्स में इंडियन टू की एक टिकट के लिए तीन सौ खर्च करनी होंगे जबकि सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर की टिकट टू हंड्रेड की होगी आई के मुताबिक इंडियन टू का बजट 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बताया जा रहा है वहीं कमल हसन की फैन फॉलोइंग और हिंदुस्तानी की सफलता को देखते हुए हिंदुस्तानी टू दुनिया भर में 60 से 80 करोड़ रुपए तक की ओपनिंग कर सकती है जबकि कमल हसन की ये फिल्म अपने पहले हफ्ते 150 से दो करोड़ रुपए की कमाई कर सकती है गौरतलब है कि कमल हसन की इस मूवी की नॉर्थ अमेरिका में एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है जहां इंडियन टू को अच्छा रिस्पांस मिलता दिखाई दे रहा है कमल हसन की स्पैन इंडिया फिल्म के नॉर्थ अमेरिका में अब तक दो करोड़ रुपए तक की कमाई हो गई है वहीं पूरे अमेरिका में 885 शोज के लिए इंडियन टू की 8,000 से ज्यादा टिकट्स बुक हो चुके हैं मदोरे के एच एम एस कॉलोनी स्थित वर्मा कलाई मार्शल आर्ट्स एवं रिसर्च अकादमी के प्रधान शिक्षक आसन राजेंद्रन ने इंजन टू के खिलाफ याचिका दायर की है राजेंद्रन का दावा है कि कमल हसन ने मूल इंजन के निर्माण के दौरान वर्मा कलाई टेक्निक्स के लिए उनसे परामर्श लिया था और उनके योगदान को उचित श्रेय दिया गया था हालांकि उनका आरोप है कि इंडन टू में उनकी अनुमति के बिना इन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है जिसके कारण उन्होंने सिनेमाघरों और ओ प्लेटफॉर्म्स दोनों पर फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने का अनुरोध किया है मदुरे जिला न्यायालय में एक न्यायाधीश के समक्ष मामले की सुनवाई हुई इंडियन टू फिल्म की टीम द्वारा राजेंद्रन की याचिका पर जवाब दाखिल करने के अतिरिक्त समय का अनुरोध करने पर अदालत ने सुनवाई 11 जुलाई तक स्थगित करने का आदेश दिया कमल हसन ने फिल्म इंडियन में दो भूमिका निभाई है एक पिता की और एक उनके बेटे की पिता को एक अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी के रूप में चित्रित किया गया था तो देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सजग व्यक्ति के रूप में भी काम करते हैं फिर बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और अच्छी कमाई की वहीं अब कहा जा रहा है कि इंडियन टू में भाग एक कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा यानी पहला पार्ट को दूसरे पार्ट में और एक्सटेंड कर दिया गया है निर्देशक एस शंकर इस महीने सिनेमाघरों में इंडियन टूर रिलीज करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं हालांकि वे कमल हसन को मुख्य भूमिका में वापस ला रहे हैं लेकिन उन्होंने मूवी के संगीत के लिए ए आर रहमान की जगह अनिरुद्ध रविचंदर को चुन लिया फिल्म निर्माता ने अब खुलासा किया है कि रहमान ने इंडियन टू के संगीत निर्देशक के रूप में अपनी भूमिका को फिर से क्यों नहीं निभाया शंकर ने कहा कि रहमान कई प्रोजेक्ट्स में बिजी थे और परिणाम स्वरूप अनिरुद्ध को इसमें शामिल किया गया शंकर ने फिल्म के एक मीडिया इवेंट में कहा जब हमने इंडियन टू पर काम स्टार्ट किया तो ए आर रहमान पहले से ही 2.0 के बीजीएम पर काम कर रहे थे और मुझे जल्दी ही गाने चाहिए थे मैं उन पर इंडियन टू का बोझ नहीं डालना चाहता था और मुझे अनिरुद्ध का संगीत भी बहुत पसंद था उनका संगीत वाकई बहुत फेमस था और मैंने सोचा कि क्यों ना उन्हें साइन किया जाए अनिरुद्ध ने रहमान की जगह रजनीकांत की मदद लेने पर विचार किया संगीतकार ने सवाल का जवाब देने के लिए 2007 में आई शंकर और रजनी की फिल्म शिवाजी द बॉस का एक डायलॉग सुनाया उन्होंने कहा छः के बाद सात आता है लेकिन रहमान सर के बाद कौन आता है उन्होंने कहा और सभी मुस्कुरा उठे उन्होंने आगे ये भी कहा मुझे पता है कि पहली फिल्म के 28 साल बाद सीक्वल आने के कारण उम्मीदें बहुत ही ज़्यादा अधिक हैं रहमान सर का संगीत मुझे बहुत ही इंस्पायर करता है संगीतकार ने अपना पहला गाना मई दो में रिलीज किया था इस गाने का नाम था पारा उसके बाद उन्होंने उसी महीने के आखिर में नीलो रप्पम रिलीज किया म्यूजिक एल्बम आधिकारिक तौर पर जून में रिलीज हुआ म्यूजिक डायरेक्टर ए रहमान उनमें से हैं जिन्होंने काफी स्ट्रगल किया है सक्सेस की सीढ़ी चढ़ना उनके लिए आसान बिल्कुल नहीं रहा म्यूज़िक की दुनिया में ऑस्कर विजेता ए आर रहमान उन गिने चुने लोगों में से एक हैं जिन्होंने भारत को ग्लोबल लेवल पर रखा है हालांकि आज भी इनके धर्म परिवर्तन को लेकर कई बातें बनती हैं और वो सुर्खियों में रहती हैं ए आर रहमान के जन्म के बाद उनका नाम दिलीप कुमार रखा गया था लेकिन इन्होंने परिवार के साथ इस्लाम को चुना म्यूज़िक कंपोजर पिता आर के शेखर के निधन के बाद इन्होंने एक कदम उठाया या यूँ कहिए कि पहला बड़ा प्रोजेक्ट रोज़ा के लिए रिलीज़ से पहले वो इस्लाम की ओर मुड़े ए आर रहमान के दोस्त त्रिलोक नायक ने कृष्णा त्रिलोक की ऑटोबायोग्राफ़ी नोट्स ऑफ ड्रीम में बताया कि रहमान की मां करीमा बेगम ने फिल्म क्रेडिट में ए आर रहमान का नाम बदलने की गुजारिश की थी वो भी आखिरी मिनट में उन्होंने कहा ये मेरी एक बड़ी रिक्वेस्ट है वो भी दिन के आखिर में मेरी माँ इसे लेकर काफ़ी विशेष है उनका कहना है कि ये बात उनके लिए काफ़ी काफ़ी मायने रखती है पर्सनली उनका यह भी कहना है कि अगर मेरा नया नाम फिल्म के क्रेडिट में नहीं गया तो इससे अच्छा नाम न ना जाना होगा रहमान का कहना है कि मैं किसी पर धर्म को लेकर दबाव नहीं बनाना चाहता हूँ हिंदुस्तान टाइम्स ब्रंच संग इंटरव्यू में रहमान ने कहा आप किसी पर कोई चीज़ नहीं थोप सकते हैं आप अपने बेटे या बेटी से ये नहीं कह सकते हैं कि उसे इतिहास लेना चाहिए इकोनॉमिक्स लेना चाहिए साइंस नहीं ये हर व्यक्ति की पर्सनल चॉइस होती है ए आर रहमान से जुड़ा एक मज़ेदार किस्सा भी है बीते 12 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर इम्तियाज़ अली की फिल्म अमर सिंह चमकीला रिलीज हुई दिलजीत दोसांझ और परिनिधि चोपड़ा लीड रोल में थे फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस से बहुत प्यार मिला था सोशल मीडिया पर चमकीला की तारीफ में कसीदे पढ़ गए कुछ लोगों ने लिखा कि फिल्म को की जगह सिनेमाघरों में रिलीज करना चाहिए था फिल्म के गानों को भी ऐसा प्यार मिला अंत में आने वाला विदा करो गाना हाईलाइट लाइट बनकर उभरा हाल ही में इम्तियाज ने उस गाने के बनने की कहानी सुनाई उन्होंने बताया कि रिकॉर्डिंग के दौरान रहमान ने लाइट बंद कर दी थी और लोग रोने लगे मैं इम्तियाज ने बताया जब मैं ये गाना बना रहा था तब हमने नहीं सोचा था कि कौन गाएगा इसकी मेकिंग बहुत जादुई किस्म की थी रहमान सर रात के ढाई बजे अपने पियानो पर आकर बैठे हम उनके स्टूडियो से निकले निकलने ही वाले थे पर मैं और अर्शाद बैठ गए रहमान सर ने कहा कि लाइट ऑफ कर देते हैं और मोमबत्तियाँ जला लेते हैं ताकि हम लोग इस पूरे प्रोसेस का मज़ा ले पाएं उसी वक्त वो ट्यून नाजिल हुई रहमान सर ने पियोना आई मीना पियानो बजाना स्टार्ट कर दिया उस वक्त हम लोग पुरानी फिल्मों की बातें कर रहे थे रहमान सर कह रहे थे कि गुरु दत्त की फ़िल्मों के गाने कैसे होते थे हम पुराने ज़माने में जाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि ये फिल्म ही एटीज़ की है रहमान सर पियानो बजा रहे थे इर्षाद ने तभी लाइने लिखी पैंतालीस मिनट के अंदर ये पूरा गाना बन गया रहमान सर ने कहा कि इसे अभी रिकॉर्ड कर लेते हैं फिर जब रिकॉर्ड करने गए तो हुआ जो आज तक नहीं हुआ कुछ लोग स्टूडियो में ही रोने लगे उसके बाद रहमान सर ने इर्शाद से कहा को ये गाना चाहिए इम्तियाज को बताते हैं अरिजीत एक साथ रिकॉर्ड करते हैं और किसी भी तरह की मिलावट नहीं करते बातचीत के दौरान शाहरुख खान पी का भी जिक्र छड़ा इम्तियाज ने कपिल शर्मा के शो पर कहा था कि शाहरुख ने दिलजीत की तारीफ की थी उस बारे में पूछे जाने पर इम्तियाज ने बताया कि उनकी शाहरुख से बातचीत होती रहती है ऐसी ही एक बातचीत में शाहरुख ने कहा था दिलजीत इस देश के सबसे बड़े एक्टर हैं उस वक्त इम्तियाज का चमकीला बनाने का कोई प्लान नहीं था फिर जब कुछ साल बाद उन्होंने चमकीला पर काम करना स्टार्ट किया तब उन्हें शाहरुख की वो बात याद आई उन्होंने दिलजीत को कास्ट कर लिया दूसरा किस्सा ए रहमान का उतना ही मज़ेदार है सुभाष गई सलमान खान और को लेकर युवराज नाम की फिल्म बना रहे थे इस फिल्म का म्यूज़िक ए आर रहमान कंपोज कर रहे थे सुभाष घई ने सभी एक्टर्स की रेट्स ले रखी थी गाना शूट होना था मगर रहमान ने समय से गाना बनाकर नहीं दिया इस बात से सुभाष घई चढ़ गए उन्होंने गुस्सा होकर रहमान को कहा कि वो उन्होंने करोड़ों रुपये दे रहे हैं गाने बनाने के लिए मगर एक तो रहमान देर कर रहे हैं तीस पर वो खुद गाना नहीं बना पा रहे बल्कि दूसरी आदत से गाना बनवा उन्हें दे रहे इस पर सुभाष घई को करारा जवाब देते हुए रहमान ने कहा आप मुझे मेरे नाम के लिए पैसे दे रहे हैं गानों के लिए नहीं राम गोपाल वर्मा ने अपनी हालिया इंटरव्यू में ये पूरा किस्सा सुनाया पुम तो गम्भान के साथ इंटरव्यू में राम गोपाल वर्मा ने बताया कि रहमान गाने बनाकर देने में देरी करते हैं दोनों ने कई फिल्मों पर साथ काम किए इसलिए रामू को रहमान की इस आदत का पता था रामू कहते हैं सुभाष खई सलमान और कचरीना को लेकर युवराज राम की फिल्म बना रहे थे रहमान को गाने देने में देरी करने की आदत है सुभाष गई इस बात से खफा थे एक समय के बाद उन्होंने रहमान को एक ख़राब और शुभने वाला लेटर लिखा इसमें उन्होंने लिखा था आप देर कैसे कर सकते हैं मेरी रेस है सलमान की रेस है और आप हैं कि गाना ही नहीं दे रहे रहमान ने जवाब में उन्हें कहा मैं लंदन में हूँ मैं चेन्नई जाने से पहले बॉम्बे आऊँगा हम सुखविंदर के स्टूडियो में मिलेंगे मैं वहाँ आपके लिए गाने बना दूंगा रहमान के कहे के मुताबिक सुभाष गए सुखविंदर के स्टूडियो पहुँच गए रहमान एयरपोर्ट से आ रहे थे स्टूडियो में सुखविंदर कोई धुन बना रहे थे बकौल रामू घाई ने सुखविंदर से पूछा कि क्या वो क्या कर रहे हैं सुखविंदर ने कहा कि रहमान ने उन्हें फोन करके गाना बनाने के लिए कहा है सुभाष आग बबूला हो गए उन्हें लगा कि वो रहमान पर प्रेशर डाल रहे हैं इसलिए रहमान किसी और से उनके लिए गाना बनवा रहे हैं घाई को लगा कि सुखविंदर ने गलती से उन्हें ये बात बता दी इतने में रहमान वहां पहुंचे और सुखविंदर से पूछा कि उन्होंने कोई गाना बनाया है क्या घई सामने खरे थे सुखविंदर ने उन्हें अपनी बनाई धुन सुनाई रहमान को वो धुन अच्छी लगी उन्होंने घई से पूछा कि उन्हें वो ट्यून अच्छा लगा क्या ये सुनकर घई का चेहरा गुस्से से तमतमा गया उन्होंने रहमान से कहा मैं आपको मेरी फ़िल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर के तौर पर करोड़ों रुपए दे रहा हूँ और आप सुखविंदर से मेरे लिए धुन बनवा रहे हो और आपकी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने ये बात कर रहे हो अगर मुझे सुखविंदर से गाना बनवाना होगा तो मैं उन्हें साइन करूँगा मुझसे पैसा लेकर सुखविंदर से मेरे लिए गाना बनवाने वाले आप हैं कौन रहमान और सुभाष गई उबराज से पहले ताल और किसना जैसी फिल्मों पर साथ काम कर चुके थे खैर खैराहूँ कहते हैं रहमान ने है घई को इसका जो जवाब दिया उससे महान जवाब मैंने अपने जीवन में कभी नहीं रहमान ने कहा सर आप मेरे नाम के लिए मुझे पैसे दे रहे हैं मेरे म्यूज़िक के लिए नहीं अगर मैं कह रहा हूँ कि वो मेरा म्यूज़िक है तो मेरा म्यूज़िक हो जाता है अभी तो आप यहाँ हैं आपको कैसे पता कि ताल का म्यूज़िक कहाँ से आया क्या पता वो म्यूज़िक मेरे ड्राइवर ने बनाया हो या किसी और ने इतनी हज़त के बाद सुभाष गई ने सुखविंदर को का बनाया गाना अपनी फिल्म में लेने से इनकार कर दिया रहमान ने उनके लिए कोई और गाना बनाया उस दिन रहमान के कहने पर सुखविंदर ने जो गाना बनाया था उसे रहमान ने एक हॉलीवुड डायरेक्टर को करोड़ों रुपए में बेच दिया बाद में उस गाने को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर मिला वो गाना था जय हो जिसे डैनी बॉयल की फिल्म स्लम डॉग मिले में इस्तेमाल किया गया बाद में सुभाष गई ने भी एक इंटरव्यू में ये बात बताई कि जय हो गाना ओरिजिनली युवराज के लिए बनाया गया था मगर उनकी फुल में ये गाना फिट नहीं हो रहा था इसलिए उन्होंने वो गाना लेने से इनकार कर दिया अब जब वो इंडियन टू में नहीं है तो लोग अनिरुद्ध की बातें कर रहे हैं उनकी ही चर्चा हो रही है संगीतकार अनिरुद्ध रविचंदर को सी एन एन न्यूज एटीन इंडियन ऑफ द ईयर 2023 में यूथ आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उन्होंने पूरे साल अपनी जादुई धुनों पर सभी को नाचने पर मजबूर कर दिया 2023 में 10 से अधिक फिल्मों के लिए संगीत तैयार करने के बाद अनिरुद्ध ने विजय की वरीसू रजनीकांत की ट्रेलर शाहरुख खान की जवान और विजय की लियो में अपने काम से सभी का ध्यान अट्रैक्ट कर लिया अपनी ओर 2023 में उनके सभी गानों ने म्यूजिक चार्ट पर राज किया अनिरुद्ध को मशहूर फिल्म निर्माता रत्नम से पुरस्कार मिला अनिरुद्ध रत्नम को एक दिग्गज के रूप में देखते हैं लेकिन दोनों ने अभी तक एक दूसरे के साथ काम नहीं किया है अनिरुद्ध को यूथ आइकन श्रेणी से सबसे अधिक वोट मिले हैं श्रेणी में अन्य नामांकन व्यक्ति इंडो कैनेडाई गायक और रैपर रैपी ढिल्लो प्रभावशाली कूशा कपीला पॉडकास्टर और प्रभावशाली रणवीर और ट्रांस महिला डॉक्टर त्रिनेत्रा हल्दर थे जहाँ रविचंद्र को यूथ आइकन पुरस्कार मिला वहीं हल्दर ने युथ आइकन ट्रेनिंग में जीत हासिल की वर्तमान में अपने तेरहवें संस्करण में सी एन एन न्यूज एटीन एंडियन ऑफ द ईयर एक पहल है जो उन भारतीयों को मान्यता देती है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और राष्ट्र पर गहरा प्रभाव डाला है 2006 में अपनी स्थापना के बाद से सी एन एन न्यूज एटीन इंडियन ऑफ द ईयर ने खुद को समाचार टेलीविजन की दुनिया में सबसे बड़े पुरस्कार के रूप में मजबूती से स्थापित किया जो अपनी विश्वनीयता के लिए मनाया जाता है पीएम मोदी नीरज चोपड़ा और विराट कोहली को मिल चुका है सम्मानित वर्षों में इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा क्रिकेट स्टार विराट कोहली भारत महिला क्रिकेट टीम एनजीओ स्टॉप एसिड अटैक शतरंज ग्रांड मास्टर विश्वनाथ आनंद जैसी दिग्गज हस्तियां शामिल हैं इनके साथ ही महान संगीतकार ए रहमान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी स्टार मुक्केबाजी एम सी मैरी कॉम अभिनेत्री दीपिका भदोकोन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत अन्य लोग शामिल हैं भारत देश का संगीत सनातन काल से दो पद्धतियों में विभाजित हो रहा है एक है वो संगीत जिसे भारतीय शास्त्रीय संगीत कहते हैं जिसकी परंपरा उत्तर भारत में प्रचलित रही है और दूसरा संगीत है कर्नाटक शास्त्रीय संगीत जो दक्षिण भारत में सदियों से वहाँ के संगीत प्रेमियों को शुद्ध बुद्ध खोने पर मजबूर करता रहा उत्तर दक्षिण के इस संगीत में विभाजन को बहुत कम संगीतकारों ने एक ही संतुलन बनाकर हिंदी सिनेमा में प्रस्तुत करने में सफलता पाई इन सफल संगीतकारों की आखिरी कड़ी अब तक ए रहमान बने हुए हैं उनके अलावा बीते दो तीन दशक में कई संगीतकार ने दक्षिण सिनेमा से लेकर उत्तर भारत में अपनी संगीत पताका लहराने की कोशिश भी की है और विफल रहे इनमें ताजा नाम संगीतकार अनिरुद्ध का फिल्म जवान से जुड़ा है और अब इंडियन टू में इस मूवी को हिंदी में देखने वाले अधिकतर दर्शक मानते हैं कि फिल्म का संगीत ही इसकी सबसे बड़ी कमज़ोर कड़ी है संगीतकार अनिरुद्ध रविचंद्र साउथ सिनेमा के जाने माने संगीतकार हैं अनिरुद्ध को सबसे बड़ी सफलता वहाई दिस कोल वाई दिस कोलावरी डी गाने से मिली अनिरुद्ध की संगीत निर्देशन में धनुष ने इस गीत को गाया था और ये गीत दुनिया भर में खूब वायरल हुआ अभिनेता रवि राघवेंद्र के बेटे और रजनीकांत के भतीजे अनिरुद्ध को तमिल फिल्मों में संगीत के लिए तीन फिल्म पुरस्कार नो साइमा पुरस्कार छः एडिसन पुरस्कार और पाँच विजय पुरस्कार मिल चुके हैं फिल्म जवान से पहले अनिरुद्ध संगीतकार के तौर पर हिंदी फिल्म डेविड और जोसी में संगीत दे चुके हैं लेकिन साउथ जैसा जादू उनका हिंदी सिनेमा अब भी नहीं चला है और अब वो इंडियन टू में जादू चलाएंगे इसके अलावा और भी गायक हैं उन पर भी नज़र डालते हैं संगीतकार के तौर पर डीएसपी एस देवी श्री प्रसाद साउथ सिनेमा के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले संगीतकारों में से एक हैं तेलुगू सिनेमा और तमिल सिनेमा में उनके योगदान के लिए अब तक एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार एक नंदी पुरस्कार दस फिल्म फेयर पुरस्कार सात साइमा पुरस्कार मिल चुके हैं फिल्म द राइज के गीत तेरी झलक के जरिए उनकी पहचान तेरी झलक अशरफी के जरिए उनकी पहचान हिंदी सिनेमा में हुई डीएसपी अब एक अजय देवगन की फिल्म दर्शन टू रणवीर सिंह की फिल्म सर्कस सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान और वरुण धवन की फिल्म बवाल का संगीत दे चुके हैं मूवी ट्रिपल आर के संगीत के लिए भारतीय सिनेमा को ऑस्कर अवार्ड दिलाने वाले साउथ सिनेमा के दिग्गज संगीतकार एम एम केरावानी भी खुद को हिंदी सिनेमा में स्थापित नहीं कर पाए साउथ की फिल्मों में संगीत रचना के लिए एम एम केरावानी को ग्यारह नंदी पुरस्कार आठ फिल्म फेयर फिल पुरस्कार दो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार एक अकेडमी पुरस्कार एक गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार एक क्रिडिक्स चॉइस मूवी अवार्ड मिल चुका है भारत सरकार ने भारतीय सिनेमा के संगीत में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित भी किया है हिंदी में एम एम किरावनी अपने दूसरे नाम एम एम किरावनी का उपयोग करते हुए क्रिमिनल सुर जिस्म रोग और पहली जैसी फिल्मों में संगीत दे चुके हैं साउथ सिनेमा में संगीतकार के तौर पर एलिया राजा का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है साउथ सिनेमा संगीत में आदित्य योगदान के लिए उन्हें पांच बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है भारत सरकार ने साल 2010 में पद्म भूषण और साल 2018 में पद्म भूषण सम्मान से उन्हें सम्मानित किया एलिया राजा को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है एलिया राजा हिंदी सिनेमा में फिल्म सदमा के गीत ए जिंदगी गले लगा ले मशहूर हुई थी अमिताभ बच्चन की फिल्म चीनी चीनी आई मीन चीनी कम में भी एलिया राजा संगीत दे चुके हैं तो ये कुछ ऐसे संगीतकार हैं जिन्होंने अपना परशम लहराया है और अब अनिरुद्ध की बारी है इंडियन टू में अपना परशम लहराने की इंडियन टू वी का, का काम लॉस एंजल्स यू में प्रसिद्ध लोला वी कंपनी यू लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है जो कैप्टन अमेरिका सीरीज़ और एंड मैन जैसी मॉवल फिल्मों में अपना असाधारण काम के लिए जानी जाती है जिसमें प्रभावशाली एजिंग और डी एजिंग प्रक्रियाएं दिखाई जाती हैं शंकर ने ट्विटर पर लिखा था लोना वी एफ एक्स एल ए में उन्नत तकनीक को स्कैन कर रहा हूँ बता दें कि विजुअल इफेक्ट्स के सुपरवाइजर वी श्रीनिवास मोहन हैं विजुअल इफेक्ट्स के दिग्गज श्रीनिवास मोहन जिन्होंने बाहुबली रिबेगनिंग पर काम किया है उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए वी एफ एक्स निर्माता और पर्यवेक्षक के रूप में काम किया है और स्क्रिप्ट के तैयार होने के तुरंत बाद इसमें शामिल हो गए श्रीनिवास मोहन भारत में रहने वाले एक विजुअल इफेक्ट डिज़ाइनर और सुपरवाइजर हैं उन्होंने लगभग हर तरह की फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है चाहे वो हिंदी तेलुगु तमिल कन्नड़ हो या फिर मलयालम हो वे विजुअल इफेक्ट के क्षेत्र में अग्रणी हैं और उन्हें देश भर के कुछ सबसे ज़्यादा बजट वाली फिल्म निर्माण कंपनीज ने काम पर रखा है तेलुगु परिवार में जन्मे वडला मूडी श्रीनिवास मुरली मोहन का लालन पालन विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में हुआ अपनी स्कूली शिक्षा और स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर के रूप में काम करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने अपने एक सहकर्मी को एनिमेटित लोगों पर काम करते देखा और इससे उन्हें इस पर काम करने की प्रेरणा मिली यहीं से उनका एनिमेशन करियर स्टार्ट हो गया और उन्होंने एडवर्टीज़मेंट और टेलीविज़न प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट किया जिसने आखिरकार आखिरकार उन्हें फ़िल्मों तक पहुंचा दिया उनका कहना है कि थ्री डी एनिमेशन आर्टिस्ट से विजुअल इफेक्ट सुपरवाइजर बनने में उन्हें दस साल लग गए उनकी पहली फिल्म कमल हसन अभेन इंडियन थी वर्ष 1996 में इसके बाद इन्होंने ड्रीम्स कोशी जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम करना स्टार्ट कर दिया और लड़के और अब तो इंडियन टू में भी वो काम कर रहे हैं तमिल इंडस्ट्री के बाहर भी उनके काम को सराहा जा रहा था क्योंकि उन्हें तेलुगु और मलयालम इंडस्ट्री से भी ऑफर मिल रहे थे उनकी पहली तेलुगु फिल्म याफ कुडू थी और उसके बाद हिंदुस्तान द मदर। उनकी पहली मलयालम फिल्म रावण प्रभु थी जो वर्ष 2001 में रिलीज हुई थी वे तब चर्चा में आए जब उन्हें फिल्म माचक माच्रिक के लिए सर्वश्रेष्ठ स्पेशल इफेक्ट्स के लिए राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया वे इंडस्ट्री के बड़े सितारों के चहते बन गए उन्हें एस शंकर और राकेश रोशन जैसे बड़े निर्देशकों ने काम पर रखना स्टार्ट कर दिया यही नहीं रुके वो उन्होंने सुपरस्टार रशनीकांत अभिनेता शिवाजी द बॉस के लिए अपना दूसरा राष्ट्र पुरस्कार जीता और उनका तीसरा पुरस्कार भी एस शंकर निर्देशक एंथरन के लिए ही था जिसे रोबोट के हिंदी डब संस्करण में रिलीज़ किया गया था विक्रम अभिनेता आई में उनका काम तो बहुत ही काबिल तारीफ रहा को को भी इंडस्ट्री ने इसको भी इंडस्ट्री में बहुत ही प्यार मिला था उन्होंने इंडियन आर्टिस्ट कंप्यूटर ग्राफिक्स नाम से भी अपनी कंपनी बनाई और मौजूदा समय के सीईओ हैं उनकी कंपनी ने कई फिल्मों में काम किया है और उनके विजुअल इफेक्ट्स की उत्कृष्टता में योगदान दिया है ये उभरते वीजुअल इफेक्ट्स कलाकारों और आकांक्षी लोगों को मौका देता है उनकी कंपनी ने भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे महंगी और हाई बजट फिल्म एंथरन में काम किया उनका कहना है कि वीजुअल इफेक्ट्स में बजट सबसे बड़ी बाधा है और आंधरन में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी उनका हालिया काम प्रभास और राना दाहोबादी स्टारर बहुभाषी बाहुबली में देखा गया था इसके वीजुअल इफेक्ट्स उत्कृष्टा एक का एक एग्ज़ाम्पल थे ये अपने वीजुअल इफेक्ट्स के कारण बहुत ही हाई बजट वाली फिल्म थी जिसमें सीन ओरिजिनल लगते हैं दुख की बात यह है कि उन्हें बाहुबली पातू से बाहर होना पड़ा क्योंकि उन्होंने एश शंकर के साथ एंथरन 2.0 के लिए पहले ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी रशनीकांत और अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में थे और अब देखा जाए तो एस शंकर के साथ वी श्रीनिवास मोहन का ये तीसरा प्रोजेक्ट है इंडियन टू में कमल हसन फिल्म में अलग अलग अवतार में दिखाई देंगे फैंस भी उनकी वापसी देखने के लिए तो बहुत ही बेचैन बैठे हैं ये फिल्म सिर्फ नाम ही नहीं कमाई से भी बड़ी साबित हो सकती है इंडियन टू की टेक्नोलॉजीज देखकर एस शंकर को खुद तारीफ़ सुनने का बहुत मौका मिल गया इंडियन टू में जो कृष्णा स्वामी का कैरेक्टर था सीबीआई वाला जिसे लेट मलयाली एक्टर ने निभाया था यानी नेरू मोरी वेनु उसे रिक्रिएट किया गया है एआई की मदद से बता दें कि कल की टू एट नाइन एट ए जिसमें कमल हसन भी हैं उसमें भी एआई का इस्तेमाल किया गया है वैसे ऐसी एक फिल्म है जिसमें ए का यूज़ नेगेटिव वे में हो गया और उस फिल्म को बहुत ही क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा आदि पुरुष में प्रभास राम जैसे लग नहीं रहे थे सैफ अली खान के लंकेश को देखकर रावण वाली फीलिंग नहीं आ रही थी ये लोगों की आदि पुरुष देखने के बाद कुछ ऐसी शिकायतें थी वैसे तो और भी मुद्दों पर लोगों को आपत्ति हुई लेकिन उनमें से किरदारों का चित्रण सबसे इम्पोर्टेंट था लोगों का कहना था कि मॉडर्न बनाने के चक्कर में राम और रावण जैसे किरदारों को अजीब बना दिया गया था इंस्टाग्राम पर एक ए आर्टिस्ट ने इसी का तोड़ निकाला उन्होंने ए टूल्स के जरिए आदि पुरुष के किरदारों को अलग ढंग से बनाया जिससे वो मॉडर्न भी दिखे और वास्तविकता के करीब भी रहे एस के एम डी अबू शाहिद नाम के आर्टिस्ट ने इंस्टाग्राम पर कुछ फ़ोटो शेयर की वहाँ प्रभास के राम भगवा वस्त्र में दिख रहे हैं आदि पुरुष में उनके किरदार को चमड़े के कपड़े और जूते पहनाए गए थे इस बात पर भी ड्रम कर विरोध हुआ था बहरहाल अबू शाहिद की बनाई ये फोटोज इंटरनेट पर फट पड़ी लोगों का कहना था कि फिल्म से ज़्यादा बढ़िया किरदार तो इस बंदे ने बना डाले इसके बाद अगर फिल्म जितना बजट होता तो पता नहीं क्या कर डलता कोई फिल्म डायरेक्टर ओम राउत को टाक कर कुछ सीखने की नसीहत दे रहा था एक यूज़र ने लिखा दूसरे ने लिखा भाई तूने तो काम क्या किया है आदि पुरुष में कम से कम मेरे पाँच सौ रुपये तो अफसूल हो जाते रिलीज़ के बाद से ही आदि पुरुष पर जनता का गुस्सा उबला हुआ था क्योंकि वहाँ पर जो ए आई यूज़ हुआ था वो बहुत ही बेकार तरीके से यूज़ हुआ था मेकर्स अगर किरदारों के लुक पर थोड़ा ध्यान दे देती तो बीते दो दिनों में हमें कीबर्ड पर उंगलियाँ पिटनी नहीं पड़ती रिलीज़ से पहले बनाने वालों का कहना था कि वो रामायण के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं उसे मॉडर्न बनाने के बाद से कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे फिर मूवी आई और उन्हें अपनी बात से पलटना पड़ा लोगों का कहना था कि इतने हज़ार साल पहले रावण का आज जैसा हैकत कैसे है उनकी सोने की लंका थौर के क्यों देखने लगी थी अब मेकर्स तमाम ट्रोलिंग से से बचने के लिए कह रहे हैं कि उन्होंने रामायण प्रेरित होकर बनाई ही नहीं है उनका तर्क चाहे कुछ भी रहा था इस बात को नहीं छुटलाया जा सकता था कि आदि पुरुष ने बहुत लोगों को निराश किया था इस मौके पर आमिर खान की एक बात याद आती है जो उन्होंने महाभारत के संदर्भ में कही थी उन्होंने कहा था कि आप महाभारत को निराश कर सकते हैं लेकिन महाभारत आपको कभी निराश नहीं करेगी यही बात रामायण के लिए भी लागू होती है अब बस यही उम्मीद की जा सकती है कि इस फिल्म यानी इंडियन टू को कोई ऐसा वैसा, वैसा क्रिटिसिज्म नहीं छेलना पड़े वैसे आजकल तो हर फिल्म इंडस्ट्री में वेदर हो साउथ हो बॉलीवुड हो या फिर हॉलीवुड हो हर जगह में आपको एआई का यूज़ होता ही होता है सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं हमारे फ़ोन में भी आजकल एआई बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गया है तो हर क्षेत्र में एआई टॉप पर चल रहा है अभी ए आई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आपको पता है कि फर्स्ट ए आई फिल्म इन इंडिया कौन सी है तो ए आई पर आधारित पहली मूवी आयरा रिलीज़ हो चुकी है ये फिल्म एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ टेक्नोलॉजी की ताकत का गलत इस्तेमाल इंसान करना चाहता है ये फिल्म सस्पेंस एक्शन और थ्रिल के मिश्रण के साथ देखने लायक बन गई है रोहित रॉय करिश्मा कोटक और राजेश शर्मा जैसे बेहतरीन कलाकारों के साथ आयरा शुरुआती सीन से ही दर्शकों को बांध कर रख लेती है फिल्म की कहानी बात करें तो हरी सिंह यानी रोहित रॉय आयरा फाइव नामक एक अभूतपूर्व डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करता है लेकिन जब ये आप नापाक हाथों में आ जाता है तो अराजकता अर फैल जाती है हरी सिंह के किरदार को रोहित रॉय ने बड़ी खूबी से निभाया है हालांकि इस कैरेक्टर में काफ़ी जटिलताएं हैं करिश्मा कोटक का किरदार फिल्म की कहानी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जिसे उन्होंने नेचुरल ढंग से पेश किया है दरअसल ये मूवी तकनीकी विकास के इस युग में नैतिक गिरावट को दर्शाती है और तकनीक के दुरुपयोग के संभावित परिणामों पर रोशनी डालती है ये मूवी कॉरपोरेट जगत की लालच भरी घातक नज़र पर ही प्रकाश डालती है इंसान अपने हितों के लिए किस हद तक जा सकता है ये फिल्म दिखाती है जो सही और गलत के बीच के संघर्ष को एंगेजिंग ढंग से दिखाया जाता है मूवी में कलाकारों के अभिनय की बात करें तो रोहित रॉय ने हरी सिंह के अपने किरदार में जान डाल दी करिश्मा कोटक ने भी एक मुश्किल भूमिका को प्रभावी रूप से उजागर किया है जबकि राजेश शर्मा ने गंभीर किरदार को बखूबी प्ले किया सैम भट्टाचार्य का निर्देशन कमाल का है एक नए किस्म का सिनेमा बनाने में वो सफल रहे हैं फिल्म का कैमरा वर्क मंत्र मुग्ध कर देने वाला है जो दर्शकों को एक अलग ही दुनिया में ले जाता है फिल्म आयरा अपनी मनोरंजक कहानी अनूठे किरदारों और हैरत भरे दृश्यों के साथ एक नया और सुखद सिनेमाई अनुभव प्रदान करती है मूवी का संगीत भी कमाल का है फिल्म एक बार देखने लायक तो है ही रोहित बॉस रॉय ने अपने कंधे पर पूरी फिल्म बड़ी जिम्मेदारी के साथ उठाई है कमल हसन की मोस्ट अवेटेड मूवी इंडियन टू फाइनली आज सिनेमाघरों में आ चुकी है फिल्म को लेकर काफ़ी बस था हमारे और भारत में पहले दिन का पहला शो शुरू होने के साथ अब फैंस ने इसका रिव्यू भी सोशल मीडिया पर शेयर करना स्टार्ट कर दिया चलिए जानते हैं कि कमल हसन की ये फिल्म लोगों को कैसी लगी है काफ़ी चर्चाओं के बाद इंडियन टू ने आज बड़े पर्दे पर दस्तक की है फिल्म की जमकर एडवांस बुकिंग हुई थी जिसे देख ये लग रहा था कि ये बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर देगी वहीं फिल्म के रिलीज़ होने के बाद अब लोगों ने इसका रिव्यू भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है जिसे देखने के बाद लग रहा है कि निर्देशक एस शंकर इंडियन टू के मामले में अपनी छाप छोड़ने से चूक गए हैं एक ट्विटर यूज़र ने लिखा इंडियन टू टैलेंटेड कमल हसन भी इस डूबते जहाज को नहीं बचा सकते उनका किरदार उनकी पिछली भूमिकाओं के रिपीट जैसा लगता है जिसमें उस गहराई और बारूकियों का अभाव है जिसने उन्हें एक लीजेंड बनाया है सपोर्टिंग आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी नहीं है और वे इम्प्रेस करने में फ़ेल हो जाते हैं एक अन्य ने लिखा ये एक एवरेज से भी नीचे की फ़िल्म है इसमें कोई कहानी ही नहीं है ये सिर्फ इंडियन थ्री के सेटअप जैसा है हाँ इंडियन थ्री का ट्रेलर रोलिंग टाइटल के बाद चलाया गया और इंडियन थ्री काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है और मुझे लगता है कि इंडियन थ्री इंतज़ार करने लायक होगा इंडियन टू की बात करें तो ये आश्चर्यजनक की फिल्म में भ्राता युद्धी की तरह कोई मजबूत कहानी नहीं है उन्होंने फ़िल्म की खूबियाँ और ख़ामियाँ भी गिनाई कई अन्य यूज़र्स ने भी फिल्म को लेकर निराशा जताई इंडियन टू एक ओल्ड और बोरिंग फिल्म है हालांकि इसका मैसेज एकदम क्लियर कट है लेकिन डायरेक्टरों ने फिल्म को थकाऊ बना दिया इसमें कहीं भी एक्साइटमेंट नज़र नहीं आता है सब कुछ आर्टिफिशियल सा लगता है फिल्म नाटक की तरह आगे बढ़ती है एक अन्य ने शख्स ने एक्स पर लिखा यानी ट्विटर पर लिखा ये बहुत पुरानी स्टाइल की मूवी दिख रही है इसमें कोई कहीं क्रिएटिविटी नज़र ही नहीं आती ख़राब मेकअप और सबसे बड़ी बात कि इसमें डायलॉग ही समझ नहीं आ रहे हैं कुछ सीन में कमल हसन ने अपने दम पर इसे बेस्ट बनाया इस यूज़र को क्लाइमेक्स भी अच्छा नहीं लगा एक अन्य यूज़र ने लिखा कि लगता है विंटेज शंकर सर परफॉर्म में लौट आए हैं क्रिस्पर एडिटिंग ने भी शानदार काम किया होगा का, बीते कुछ सालों में ये उनकी बेस्ट मूवी हो सकती थी कमल हसन बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और उन्होंने ये छः दशकों से दर्शकों का दिल जीता हुआ है कई फिल्मों में अपने काम के लिए मशहूर कमल हसन का प्रभाव तमिलनाडु से कहीं आगे तक फैला हुआ है उनकी बहुमुखी प्रतिभा हिंदी सिनेमा में उनके प्रयासों में तो छती है जैसे कि नाइनटीन एटी वन में फिल्म एक हालांकि बॉलीवुड में एक संक्षिप्त अवधि के बाद कमल हसन ने फैसला किया कि वो बॉम्बे सपने का पीछा नहीं करना चाहते उन्होंने 2017 में इंडिया टुडे से कहा था वो समय वो समय ऐसा ही था मैं हिंदी सिनेमा का एक गरीब चचेरा भाई था मुझे अपने कपड़े खुद धोने पड़ते थे और इस तरह के काम करने पड़ते थे वे वाकई बहुत बिगड़े हुए और अमीर थे वे ढाई साल तक एक फिल्म बना सकते थे और एक बार में छः फिल्में बना सकते थे मुझे लगा कि ये नाटक और तकनीकों दोनों की दृष्टि से चरित्र निर्माण में बहुत बड़ी बाधा थी यही कारण था कि उन्होंने आगे कहा दूसरा कारण ये भी था कि वहाँ बहुत सारे अंडरवर्ल्ड कनेक्शन्स थे मैं वहाँ रहकर या तो इसका विरोध करना चाहता था या फिर धमकी के आगे झुकना चाहता था मैं उन अभिनेताओं में से एक था जिसने ये तय किया कि मैं काले धन से कोई लेना देना नहीं रखूँगा जब उनसे पूछा गया कि क्या भ्रष्टाचार के बिना किसी अभिनेता के लिए बड़ी सफलता हासिल करना संभव है तो उन्होंने कहा हाँ मैं इसका जीता जागता सबूत हूँ मैं बहुत खुश हूँ मैंने कार से यात्रा की ये बिल्कुल संभव है पहले किसी और ने ऐसा किया था कैमरा मैन विंसेंट कभी उसने कभी काले धन को हाथ नहीं लगाया ये बहुत पहले की बात है जब किसी सरकार ने उसे काला धन न रखने की धमकी दी मेरे भाई और मैंने ये फैसला लिया था इंडियन टू फिल्म 12 जुलाई को सिनेमाघरों में आएगी है इसी पीछे इंडा डुडे से बात करते हुए डायरेक्टर शंकर ने बताया कि इंडियन में सेनापति का लुक कमल हसन के पिता से इंस्पायर था 1996 में आई इंडियन में कमल हसन ने डबल रोल भी प्ले किया था इंडियन टू से पहले कमल हसन कल की टू एट नाइन एट ए डी में भी दिखाई दिए थे इनके रोल को बहुत प्यार मिला कमल हसन फिल्म कल की टू एट नाइन एट ए डी में नज़र आए उन्होंने फिल्म में सुप्रीम यास्किन का किरदार निभाया जो अपने आप को सर्वशक्तिमान बनाने के लिए एक अलग तरह का, का एक्सपेरिमेंट करता है हालांकि फिल्म में कमल हसन को कम स्क्रीन टाइम मिली है फिल्म रिलीज़ होने के बाद एक्टर ने कम स्क्रीन टाइम को लेकर चुप्पी तोड़ी है कमल हसन ने कहा कल की टू एट नाइन एट ए डी में मैंने एक छोटी सी भूमिका निभाई है जो केवल कुछ मिनटों के लिए दिखाई देती है फिल्म में, में मेरा असली हिस्सा अभी शुरू हुआ है मुझे इसके दूसरे पार्ट में और भी बहुत कुछ करना है अब क्लाइमैक्स देखकर मुझे समझ आ गया है कि नाग अश्विन क्या दिखाना चाहते थे अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा फिल्म में काम करके मुझे ऐसा लगा कि हिंदी सिनेमा ग्लोबल एंटरटेनमेंट की ओर बढ़ रहा है बल्कि टू एट नाइन एट एटी उन्हीं फिल्मों में से एक है नाग अश्विन ने बिना किसी धार्मिक पशुपात के बाद पुराने कथाओं के मुद्दों को बहुत खूबसूरती से दिखाया रिपोर्ट्स के मुताबिक कमल हसन की फिल्म ठग लाइफ में रोहित शरफ भी नजर आएंगे। उन्होंने मूवी की शूटिंग भी स्टार्ट कर दी है फिल्म को मनी रत्नम डायरेक्ट कर रहे हैं फिल्म दिसंबर 2024 में सिनेमा घरों में सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी कमल हसन को हिंदुस्तानी टू यानी इंडियन टू में बेहद प्यार मिलेगा यही उम्मीद भी है जैसा कल को लेकर मिला वो भी छोटे से रोल के लिए अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह इंडियन के दूसरे भाग यानी इंडियन टू में मुख्य महिला किरदार निभा रही हैं मूवी में अपने किरदार के बारे में बात करते हुए अभिनेत्री ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि वो अपने किरदार के साथ अच्छी तरह से तालमेल बिठाती हैं क्योंकि वो अपने वास्तविक जीवन में भी ऐसी हैं फिल्म की ऑडियो लॉन्च में अभिनेत्री ने खुलासा किया कि ये उनके अभिनय करियर की विशेष फिल्मों में से एक है क्योंकि उन्होंने शंकर के निर्देशन में कमल हसन के साथ अभिनय किया था उन्होंने कहा कि मूवी में उनका किरदार एक दृढ़ निश्चय आत्मविश्वासी लड़की का है जो अच्छी तरह से जानती है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं वर्क फ्रेंड की बात करें तो रकुल प्रीत सिंह को आखिरी बार तमिल में ही देखा गया था रकुल प्रीत सिंह एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल हैं जो विशेष रूप से तेलुगु तमिल और हिंदी फिल्मों में काम करती हैं प्रीत सिंह वेंकताद्रीर एक्सप्रेस टू कारण ठीका 2014 ड्रॉप 2014 लोकियम 2014 पंडागा चेस्को 2015 केकटू 2015 इस तरह की कई फिल्मी और देदे प्यार दे दे प्यार दी 2019 जैसी फिल्मों में सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुकी हैं और उनका हिस्सा रही हैं उनके एक्सिबिट वेडिंग वो और एफ एच एम जैसी विभिन्न पत्रिकाओं के कवर भी छपे हैं रकुल एक बेहतरीन गोल्फर भी हैं रकुलप्रीत सिंह का जन्म 10 अक्टूबर नाइनटी को नई दिल्ली में एक पंजाबी परिवार में हुआ था वो एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल है जो मुख्य रूप से तेलुगु तमिल और हिंदी फिल्मों में काम करती हैं रकुल प्रीत ने अपनी स्कूली शिक्षा आर्मी पब्लिक स्कूल थोला कुआं से की और बाद में जीजस एंड मैरी कॉलेज दिल्ली से विश्वविद्यालय में गणित का अध्ययन किया उनके पिता का एक सेना अधिकारी थे और उनकी माँ राजेंद्र कौर और पिता कुलविंदर सिंह है रकुलप्रीत का एक छोटा भाई है अमनप्रीत सिंह जो फिल्म राम राज के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करने के लिए रेडी रकुलप्रीत सिंह ने कहा कि वो हमेशा एक अभिनेत्री बनने का सपना देखती थी अर्थार्थ उन्होंने 18 साल की उम्र में मॉडलिंग अपने करियर का हिस्सा बना लिया जब वो कॉलेज में ही थी 2009 में उन्होंने कन्नड़ फिल्म गिल्दी से अभिनय की शुरुआत की जो सेल्वा राघवन की सेवन जी रेनबो कॉलोनी की पूर्ण निर्माण थी उन्होंने कहा कि वो थोड़ा अतिरिक्त पॉकेट मनी कमाने के उद्देश्य से फिल्म साइन की और वो इस बात से अनजान थी कि दक्षिण भारत फिल्में कितनी बड़ी थी उन्होंने अपनी डिग्री पूरी करने के बाद और 2011 के फेमिना मिस इंडिया प्रेजेंट में प्रतिस्पर्धा करने से पहले में अपनी भूमिका के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा हासिल की पीपल्स चॉइस मिस इंडिया टाइम्स के अलावा उन्होंने पैंडा पेंडालून फेमिना मिस फ्रेश फेस फेमिना मिस टैलेंटेड फेमिना मिस ब्यूटिफुल स्माइल और फेमिना मिस ब्यूटिफुल आई सहित पेजेंट में चार अवार्ड्स जीते उन्होंने दो हज़ार ग्यारह में फिल्मों में वापसी की जिसमें कैराटम में सिद्धार्थ राजकुमार के साथ अभिनय किया जो तेलुगु और मलयालम दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज़ हुई हालांकि आलोचकों ने कहा कि उन्हें स्क्रीन पर बहुत कम टाइम मिला ये फिल्म तमिल में भी बनाई गई थी जिसका शीर्षक था जिसमें एक ही कलाकार लेकिन अलग अलग निर्देशक थे 2012 में वो तमिल फिल्म दो थाका में सहायक भूमिका में दिखाई दी फिर जनवरी 2013 में पुथ गाम नामक एक तमिल फिल्म में दिखाई दी नवंबर 2013 थाउजेंड थर्टीन में रघुलप्रीत को तेलगू में वेंटार्द्री एक्सप्रेस में देखा गया जो बाद में एक बहुत ही सफल मूवी बन गई और साउथ के सिक्सटी वन पुरस्कार में में अपनी पहली सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का किया। उन्होंने दिव्या कुमार के निर्देशन में बनी मध्य तक वो एक साथ तीन तेलुगु फिल्मों पर काम कर रही थी जो श्रीवास जी नागेश्वर रेड्डी और गोपीचंद चंद द्वारा निर्देशित थी श्रीवास की लुकियम जो की नागेश्वरम की करंट थी कुलप्रीत सिंह की अगली रिलीज थी और उन्हें सिक्सटी टू फिल्म फेयर अवार्ड साउथ में अपना दूसरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन मिला उनकी अगली फिल्म थी पंडागा चेस्को थी जिसमें उन्हें राम पौथी नैनी के साथ अभिनय किया था और गोपी चंद मालिनी द्वारा निर्देशित किया गया था रकुलप्रीत ने अपने अभिनय कौशल का प्रदर्शन करते हुए कई लोकप्रिय फिल्मों में अभिनय किया उनकी कुछ लोकप्रिय फिल्में कि टू स्पाइडो थीरन ये सब भी रही हैं 2021 में उन्होंने एक म्यूजिक वीडियो बनाया जिसका नाम है दिल है दीवाना जो कि दर्शन रावल और ज़ारा खान द्वारा गाया गया रकुल एक बेहतरीन गोल्फर हैं और उन्होंने राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट्स में भी, भी हिस्सा लिया है। उनके पास एफ45 ट्रेनिंग के तीन कार्यात्मक प्रशिक्षण जिम की सक्रिय मताधिकारी भी है। उनमें से दो हैदराबाद में हैं जो गची बोवली और कोका पेट के उपन नगरों में स्थित है जबकि दूसरों विशाखापट्टनम में है 2017 में तेलंगाना सरकार ने उन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था कमल हसन सिद्धार्थ और रकुल प्रीत सिंह स्टार फिल्म हिंदुस्तानी 2, यानी कि इंडियन 2, 25 जून के शाम को ट्रेलर रिलीज की इसमें देश में बेरोजगारी और देश में लट्टर कानून व्यवस्था को दिखाया गया अब एक्टर कमल हसन ने इस मूवी के ट्रेलर लॉन्च के दौरान मुंबई में एक पोर्टल से बातचीत की थी और इस दौरान उनसे मौजूदा राजनीतिक माहौल को देखते पूछे जाने वालों को अक्सर देश करा दिया जाता है और वो इस माहौल में ऐसी फिल्में कैसे बना पाते हैं इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम से बातचीत में कमल हसन ने सवालों के जवाब दिए उन्होंने कहा समस्या अंग्रेजों के समय से ही रही है लोग तब भी फिल्में बनाते थे हम ऐसी फिल्में बनाते रहेंगे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सत्ता प्रतिष्ठान के शीर्ष पर कौन है एक्टर ने यह भी कहा कि सरकार से सवाल पूछना नागरिकों का अधिकार है यह सिर्फ फिल्म निर्माता का अधिकार नहीं बल्कि सवाल पूछना तो नागरिकों का अधिकार है कमल हसन ने आगे बताया कि कैसे कलाकारों को राजनीतिक फिल्में बनाते समय मुश्किलों का सामना करना पड़ता है ये कलाकार के रूप में आम जनता में से बहुत से लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और हम इस बात को भी मानते हैं कि हम आपके प्रतिनिधि हैं इसलिए हम परिणामों के बारे में सोचे बिना हिम्मत के साथ मुद्दों के बारे में बात करते हैं इसमें मुश्किल होती है सरकार नाराज हो सकती है लेकिन आपका साथ उस आग को बुझा देती है कमल हसन ने इंडियन में सेनापति का किरदार निभाया था ये देश में मौजूद भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े थे और इंडियन टू जो हिंदी में हिंदुस्तानी टू के नाम से रिलीज है इसमें भी वही सब देखने को मिल रहा है एक्टर ने इस दौरान कहा क्या मैं नफरत करूं या शुक्रिया अदा आखिर हमने क्या किया है ये हम ही हैं राजनेता कोई और नहीं बल्कि हम में से ही एक है हम सभी भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार हैं और हम सभी को अपना विचार बदलना चाहिए और अपना विचार बदलने का सबसे अच्छा समय चुनाव के दौरान है ये सिर्फ याद दिलाते हैं कि हम कितने भ्रष्ट हो गए हैं भ्रष्टाचार की वजह से कुछ भी नहीं बदला हम सब एक साथ आएंगे और अपना विवेक लाएंगे तो उसकी बदौलत सब कुछ बदल जाएगा इंडियन टू की टैगलाइन है जीरो टॉलरेंस जब उनसे पूछा गया कि समाज में ऐसी कौन सी चीज़ है जिन्हें बर्दाश्त करना उनके लिए बहुत मुश्किल है तो कमल हसन ने कहा मैं गांधी जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी टॉलरेंस सिखाया है मैं कहता हूँ कि मैं उस सहनशीलता के बिजनेस का फ़ैन नहीं हूँ गांधी जी मेरे हीरो हैं लेकिन आप किससे बर्दाश्त करते हो किसी दोस्ती करते हो मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया में दोस्ती खूब बढ़े आप बर्दाश्त करते हो वो सिरदर्द जो कुछ भी समाज के लिए सिरदर्द है उसके लिए आपको जीरो टॉलरेंस रखना चाहिए कोई दवा खोजिए और इस सिर दर्द को खत्म करिए इंडियन टू के अलावा और भी फिल्में हैं जो भ्रष्टाचार पर बनी हैं लोकसभा चुनाव का ऐलान कुछ समय पहले ही किया गया है सात चरणों में होने जा रहे मतदान को लेकर तमाम राजनीतिक दलों के उम्मीदवार जनता के बीच उनकी समस्याओं को दूर करने का वादा कर रहे हैं हर बार की तरह इस बार के चुनाव में भी भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा है राजनीतिक दलों के बीच इन दिनों चल रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच आज हम आपको कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी कहानी भ्रष्टाचार के विषय के इर्द गिर्द बुनी गई थी नायक द रियल हीरो अनिल कपूर की मुख्य भूमिका वाली नायक द रियल हीरो को दर्शक आज भी छोटे पर्दे पर देखना पसंद करते हैं। साउथ के निर्देशक शंकर ने निर्देशक में बनी ये फिल्म एक पत्रकार के जीवन पर केंद्रित है जिसे एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलता है और वो सिस्टम से भ्रष्टाचार को खत्म करने की पूरी की पूरी जीत जान लगा देता है इंडियन टू भी शंकर ने ही बनाई है फिल्म में रानी मुखर्जी अमरीश पुरी परेश रावल और जॉनी लीवर भी सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे फिर आते हैं रंग दे बसंती राकेश ओम प्रकाश मेहरा की रंग दे बसंती कल्ट फिल्मों में शामिल है इसे खास तौर पर देश के युवाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया था ये फिल्म नई पीढ़ी के लोगों को बेहतर भविष्य के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करती थी मूवी में आमिर खान सिद्धार्थ सोहा अली खान कुणाल कपूर और आर माधवन शर्मन जोशी अतुल कुलकर्णी और ब्रिटिश अभिनेत्री एलिस पैटन मुख्य भूमिका में थी इसकी मौजूद पटकथा और संवादों को लोगों की खूब सराहना मिली थी साथ ही इसके गाने भी खूब हिट हुए थे सत्याग्रह प्रकाश झा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मंझे हुए निर्देशकों में से एक है उनकी कई फिल्में लोगों के दिलों में खास जगह बना चुकी है मूवी सत्याग्रह भी उनकी शानदार फिल्मों में से एक है इस मूवी में मुख्य भूमिकाओं में अमिताभ बच्चन अजय देवगन करीना कपूर अमृता राव अर्जुन रामपाल मनोज बाजपेयी जैसे प्रतिभाशाली कलाकार नजर आए थे ये फिल्म अपने बेटे की मौत के बाद मुआवजा पाने के लिए भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लड़ने वाले पिता की कहानी को बयां करती है उंगली उंगली साल 2014 में रिलीज हुई थी फिल्म का निर्देशन रेंसल दिल ने किया था रेंसल दिल ने किया था इस क्राइम ड्रामा मूवी में इमरान हाशमी रणदीप हुड्डा कंगना नेहा धूपिया अंगद बेदी नील भोपालम और संजय दत्त अहम किरदारों में दिखे थे मूवी की कहानी दोस्तों के ग्रुप के इर्द-गिर्द बुनी गई है, जो खुद को उंगली गैंग कहते हैं, जिनका इरादा लोगों को अपने तरीके से सबक सिखाना है गब्बर इज बैग इस लिस्ट में अक्षय कुमार की फिल्म गबर इज बैग का नाम भी शामिल है फिल्म का निर्देशन कृष्ण ने किया था साल 2015 में ये फिल्म भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने तरीके से लड़ने वाले एक शख्स की कहानी बताती है ये फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आई थी हालांकि रिलीज के बाद इसके सीन को लेकर मेडिकल एसोसिएशन ने अपनी नाराजगी भी जताई थी जवान शाहरुख खान के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म जवान भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही बनाई गई थी इसका निर्देशन एटली ने किया था मूवी में किंग खान डबल रोल में नजर आए थे इसमें पिता पुत्र की जोड़ी भ्रष्ट लोगों के खिलाफ लड़ती दिखी इस मूवी को दर्शकों ने खूब पसंद किया था बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 640.25 का कुल कलेक्शन किया था यह हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी साबित हुई शूल मनोज बाजपेयी और अविना टंडन की यह फिल्म भी भ्रष्टाचार पर एक जोरदार प्रहार करती नजर आई थी ये फिल्म एक बेहतरीन पॉलिटिकल ड्रामा थी जिसमें मनोज बाजपेयी एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आए और अविना ने उनकी पत्नी का रोल अदा किया था गंगाजल फिल्म गंगाजल अजय देवगन और प्रकाश झा के द्वारा की गई बेहतरीन फिल्म थी इस मूवी की कहानी बिहार के एक बाहुबली नेता पर बेस्ड थी अजय ने फिल्म में एक पुलिस वाले का रोल प्ले किया था और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे मूवी में अजय देवगन के अलावा ग्रेसी सिंह और यशपाल शर्मा भी मुख्य भूमिका में थे इंडियन टू में भी हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ मैसेज मिला है कमल हसन सिद्धार्थ और रकुल प्रीत सिंह स्टार फिल्म हिंदुस्तानी टू यानी कि इंडियन टू 25 जून के शाम को ट्रेलर रिलीज की इसमें देश में बेरोजगारी और देश में कानून व्यवस्था को दिखाया गया अब एक्टर कमल हसन ने इस मूवी के ट्रेलर लॉन्च के दौरान मुंबई में एक पोर्टल से बातचीत की थी और इस दौरान उनसे मौजूदा राजनीतिक माहौल को देखते हुए सत्ता पर सवाल उठाने वाली इस तरह की फिल्में बनाने के बारे में पूछा गया साथ ही ये भी सवाल किया गया कि ऐसे पूछे जाने वालों को अक्सर देशद्रोह करा दिया जाता है और वो इस माहौल में ऐसी फिल्में कैसे बना पाते हैं? से बातचीत में कमल हसन ने सवालों के जवाब दिए उन्होंने कहा यह समस्या अंग्रेजों के समय से ही रही है लोग तब भी फिल्में बनाते थे हम ऐसी फिल्में बनाते रहेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सत्ता प्रतिष्ठान के शीर्ष पर कौन है आक्टर ने ये भी कहा कि सरकार से सवाल पूछना नागरिकों का अधिकार है ये सिर्फ फिल्म निर्माता का अधिकार नहीं बल्कि सवाल पूछना तो नागरिकों का अधिकार है कमल हसन ने आगे बताया कि कैसे कलाकारों को राजनीतिक फिल्में बनाते समय मुश्किलों का सामना करना पड़ता है ये कलाकार के रूप में आम जनता में से बहुत से लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और हम इस बात को भी मानते हैं कि हम आपके प्रतिनिधि हैं इसलिए हम परिणामों के बारे में सोचे बिना हिम्मत के साथ मुद्दों के बारे में बात करते हैं इसमें मुश्किल होती है सरकार नाराज हो सकती है लेकिन आपका साथ उस आग को बुझा देती है कमल हसन ने इंडियन में सेनापति का किरदार निभाया था ये देश में मौजूद भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े थे और इंडियन टू जो हिंदी में हिंदुस्तानी टू के नाम से रिलीज है इसमें भी वही सब देखने को मिल रहा है एक्टर ने इस दौरान कहा क्या मैं नफरत करूं या शुक्रिया अदा आखिर हमने क्या किया है ये हम ही हैं। राजनेता कोई और नहीं बल्कि हम में से ही एक है हम सभी भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार हैं और हम सभी को अपना विचार बदलना चाहिए और अपना विचार बदलने का सबसे अच्छा समय चुनाव के दौरान है ये सिर्फ याद दिलाते हैं कि हम कितने भ्रष्ट हो गए हैं भ्रष्टाचार की वजह से कुछ भी नहीं बदला हम सब एक साथ आएंगे और अपना विवेक लाएंगे तो उसकी बदौलत सब कुछ बदल जाएगा इंडियन टू की टैगलाइन है जीरो टॉलरेंस जब उनसे पूछा गया कि समाज में ऐसी कौन सी चीज़ है जिन्हें बर्दाश्त करना उनके लिए बहुत मुश्किल है तो कमल हसन ने कहा मैं गांधी जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ वो कहते हैं कि उन्होंने अपने टॉलरेंस सिखाया है मैं कहता हूँ कि मैं उस सहनशीलता के बिजनेस का फैन नहीं हूँ गांधी जी मेरे हीरो हैं लेकिन आप किससे बर्दाश्त करते हो किसी दोस्ती करते हो मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया में दोस्ती खूब बढ़े आप बर्दाश्त करते हो वो सिर दर्द जो कुछ भी समाज के लिए सिरदर्द है उसके लिए आपको जीरो टॉलरेंस रखना चाहिए कोई दवा खोजिए और सिर दर्द को ख़त्म करिए इंडियन ट्यू के अलावा और भी फिल्में हैं जो भ्रष्टाचार पर बनी हैं लोकसभा चुनाव का ऐलान कुछ समय पहले ही किया गया है सात चरणों में होने जा रहे मतदान को लेकर तमाम राजनीतिक दलों के उम्मीदवार जनता के बीच उनकी समस्याओं को दूर करने का वादा कर रहे हैं हर बार बार की तरह इस बार के चुनाव में भी भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा है राजनीतिक दलों के बीच इन दिनों चल रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच आज हम आपको कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी कहानी भ्रष्टाचार के विषय के इर्द गिर्द बुनी गई थी नायक दी रियल हीरो अनिल कपूर की मुख्य भूमिका वाली नायक द रियल हीरो को दर्शक आज भी छोटे पर्दे पर देखना पसंद करते हैं साउथ के के निर्देशक शंकर ने निर्देशक में बनी ये फिल्म एक पत्रकार के जीवन पर केंद्रित है जिसे एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलता है और वो सिस्टम से भ्रष्टाचार को खत्म करने की पूरी की पूरी जीत जान लगा देता है इंडियन टू भी शंकर ने ही बनाई है फिल्म में रानी मुखर्जी अमरीश पुरी परेश रावल और जॉनी लीवर भी सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे फिर आते हैं रंग दे बसंती राकेश ओम प्रकाश मेहरा की रंग दे बसंती कल्ट फिल्मों में शामिल है इसे खास तौर पर देश के युवाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया था ये फिल्म नई पीढ़ी के लोगों को बेहतर भविष्य के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करती दिखी मूवी में आमिर खान सिद्धार्थ सोहा अली खान कुाल कपूर और आर माधवन, शर्मन जोशी अतुल कुलकर्णी और ब्रिटिश अभिनेत्री एलिस पैटन मुख्य भूमिका में थे इसकी मौजूद पटकथा और संवादों को लोगों की खूब सराहना मिली थी साथ ही इसके गाने भी खूब हिट हुए थे सत्यग्रह प्रकाश झा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मंझे हुए निर्देशकों में से एक है उनकी कई फिल्में लोगों के दिलों में खास जगह बना चुकी है मूवी सत्याग्रह भी उनकी शानदार फिल्मों में से एक है इस मूवी में मुख्य भूमिकाओं में अमिताभ बच्चन अजय देवगन करीना कपूर अमृता राव अर्जुन रामपाल मनोज बाजपेयी जैसे प्रतिभाशाली कलाकार नजर आए थे ये फिल्म अपने बेटे की मौत के बाद मुआवजा पाने के लिए भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लड़ने वाले पिता की कहानी को बयां करती है उंगली उंगली साल 2014 में रिलीज हुई थी फिल्म का निर्देशन रेंसिल दिल ने किया था रेंसिल दिसवा ने किया था इस क्राइम ड्रामा मूवी में इमरान हाशमी रणदीप हुड्डा कंगना रनौत नेहा धूपिया अंगद बेदी नील भोपालम और संजय दत्त अहम किरदारों में दिखे थे मूवी की कहानी दोस्तों के ग्रुप के इर्द गिर्द बुनी गई है जो खुद को उंगली गैंग कहते हैं जिनका इरादा भ्रष्ट लोगों को अपने तरीके से सबक सिखाना है गब्बर बैक इस लिस्ट में अक्षय कुमार की फिल्म इज बैक का नाम भी शामिल है फिल्म का निर्देशन कृष्ण ने किया था साल 2015 में ये फिल्म भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने तरीके से लड़ने वाले एक शख्स की कहानी बताती है ये फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आई थी हालांकि रिलीज के बाद इसके सीन को लेकर मेडिकल एसोसिएशन ने अपनी नाराजगी भी जताई थी जवान शाहरुख खान के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म जवान भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही बनाई गई थी इसका निर्देशन एटली ने किया था मूवी में किंग खान डबल रोल में नजर आए थे इसमें पिता पुत्र की जोड़ी भ्रष्ट लोगों के खिलाफ लड़ती दिखी इस मूवी को दर्शकों ने खूब पसंद किया था बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 640.25 हंड्रेड का कुल कलेक्शन किया था यह हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी साबित हुई शूल मनोज बाजपेयी और अविना टंडन की ये फिल्म भी भ्रष्टाचार पर एक जोरदार प्रहार करती नजर आई थी ये फिल्म एक बेहतरीन पॉलिटिकल ड्रामा थी जिसमें मनोज बाजपेयी एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आए और अविना ने उनकी पत्नी का रोल अदा किया था गंगाजल फिल्म गंगाजल अजय देवगन और प्रकाश झा के द्वारा की गई बेहतरीन फिल्म थी इस मूवी की कहानी बिहार के एक बाहुबली नेता पर बेस्ड थी अजय ने फिल्म में एक पुलिस वाले का रोल प्ले किया था और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे मूवी में अजय देवगन के अलावा ग्रेसी सिंह और यशपाल शर्मा भी मुख्य भूमिका में थे इंडियन टू में भी हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ मैसेज मिला है इंडियन से एक बार फिर चर्चा में आए शंकर। अपने तीन दशक के लंबे फिल्मी करियर में निर्देशक शंकर ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दर्शकों को दी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अपने 29 साल के लंबे फिल्मी करियर में निर्देशक शंकर ने आज तक एक भी फ्लॉप मूवी नहीं थी जिसकी वजह से उनकी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर एक नजर तो निर्देशक का सक्सेस रेशियो 100% बैठता है। निर्देशक शंकर भारतीय सिनेमा के टॉप डायरेक्टर्स की लिस्ट में आते हैं यही वजह है कि वो इंडस्ट्री के सबसे महंगे निर्देशकों में भी एक हैं निर्देशक एस शंकर के जन्मदिन के खास मौके पर कई जगह पर उनके टॉप फिल्म के बारे में लिखी हुई थी वहीं से कुछ बातें हमें पता चली हैं तो उनकी टॉप फिल्में आती हैं जो हर सिनेमा प्रेमी ने जरूर देखी होगी अगर आपने अभी तक इनमें से एक भी फिल्म ऐसी है है जो नहीं देखी है, तो आपको इसे तुरंत देख लेनी चाहिए मूल रूप से तमिल फिल्म एथिरन और इसके हिंदी वर्जन रोबोट दोनों ने ही ताबड़तोड़ कमाई की थी रजनीकांत और ऐश्वर्या राय बच्चन स्टारर निर्देशक शंकर की ये फिल्म साल 2010 में रिलीज हुई थी मूवी ने हिंदी ही नहीं साउथ के भी सारे के सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स को हिलाकर रख दिया था इस मूवी ने हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर दी थी जिसे दर्शक आज भी देखना पसंद करते हैं निर्देशक शंकर की ये फिल्म ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव पर उपलब्ध है जिसे आप यहाँ भी ईजिली देख सकते हो जबकि फिल्म के दूसरे भाग 2.0 ने भी बम्पर कमाई की थी अक्षय कुमार और रजनीकांत की ये फिल्म स्टार ये फिल्म इसी फिल्म का सीक्वल है दोनों ही फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी हिंदी में अपरिचित नाम से थिएटर पहुंची आकर चयान विक्रम की फिल्म निर्देशक शंकर की एक और ऑल टाइम क्लासिक फिल्म है जिसने ऑडियंस की रूह कपा दी थी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बनी ये एक और निर्देशक शंकर की क्लासिक फिल्म है जिसे ऑडियंस को कम से कम एक बार जरूर देखना चाहिए ये फिल्म हिंदी में प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है ट्रियान विक्रम और एमी ट्रैक्सन स्टारर निर्देशक शंकर की इस मूवी ने दर्शकों को हिला कर रख दिया था उनके होशो हवाज खो बैठे फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मोटी रकम कूटी थी ये भी निर्देशक शंकर के करियर की बेस्ट फिल्मों में से एक है इसे भी आप हिंदी में ओडीडी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो इस फिल्म का नाम है आई फिर आते हैं शिवादी बॉस पर रजनीकांत और निर्देशक शंकर ने एक बार फिर तहलका मचाया था साल 2007 में थिएटर तो पहुंची श्रेया सरन और सुपरस्टार रजनीकांत ने उस वक्त तमिल और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हलबली मचा दी थी इस मूवी ने उस वक्त बॉक्स ऑफिस 650 करोड़ रुपए का कारोबार किया था सुपरस्टार कमल हसन के साथ रिलीज हुई निर्देशक शंकर की इस मूवी ने भी शानदार बिजनेस किया था इस मूवी को हिंदी में हिंदुस्तानी के नाम से भी रिलीज किया गया यानी हम इंडियन की बात करें और जिसका सीक्वल अब हम इंडियन टू देख सकते हैं साल नाइनटीन में रिलीज हुई कमल हसन की इस मूवी ने देश भर में तो बंपर कमाई की ही थी साथ ही फिल्म को उस साल बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी के, के लिए भी ऑस्कर के लिए भी सरकार की ओर से नॉमिनेशन भेजा गया था इसके अलावा भी निर्देशक शंकर ने नायक जीम्स और ननबान जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी हैं दोस्तों एस शंकर साउथ फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने निर्माता और निर्देशक हैं बॉलीवुड में इन्होंने सिर्फ एक फिल्म नायक का निर्देशन किया है जो बॉक्स ऑफिस पर असफल रही इसके अलावा साउथ में बनी सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी आज की पोस्ट में हम शंकर के निर्देशन में बनी तेरह फिल्मों के बारे में अच्छे से और भी ज़्यादा बात करते हैं बॉलीवुड के कई मशहूर निर्देशकों का नाम तो आप जानते ही होंगे हिंदी सिनेमा में करण जोहर संजय लीला भंसाली राजकुमार हिरानी समेत कई ऐसे निर्देशक हैं जो फिल्म की कमाई का कुछ हिस्सा बतौर फीस लेते हैं और करोड़ों की कमाई करते हैं लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भारत के टॉप पांच डायरेक्टर्स की सूची में सबसे पहला नाम साउथ के डायरेक्टर का है शंकर एय शंकर भारतीय फिल्म निर्देशक और निर्माता हैं जो मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में सक्रिय हैं उन्होंने ऐसे चंद्रशेखर के सहायक निर्देशक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी और अब वो देश में सबसे अधिक वेतन पाने वाले डायरेक्टर हैं साल 2019 में फोर्ब्स मैगजीन में 55 नंबर पर रहने वाले एस शंकर की कमाई तीन साल पहले तक इकत्तीस करोड़ से ज्यादा थी वहीं कुल संपत्ति की बात करें तो एस शंकर के पास एक करोड़ रुपए की कुल संपत्ति है बाहुबली दी बिगनिंग और बाहुबली टू यानी कंक्लूजन और आर 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 जैसे रिकॉर्ड तोड़ फिल्मों का निर्देशन करने वाले एस एस राजा मौली की फीस बॉलीवुड के किसी भी ए लिस्टर से कम नहीं है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्देशक हजार करोड़ या 500 करोड़ कमाने वाली फिल्मों का कुछ फीसदी हिस्सा अपने पास रखते हैं प्राप्त जानकारी के मुताबिक एसएस राजामौली ने ट्रिपल आर का 30 फीसदी हिस्सा बतौर फीस लिया था वहीं कुल संपत्ति की बात करें तो निर्देशक तकरीबन 110 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं मणि रत्नम गोपाल रत्नम सुब्रमन्यम उर्फ मणि रत्नम तमिल फिल्म इंडस्ट्री के प्राय हैं ये कहना गलत नहीं होगा कि उनकी फिल्म कला के कई पहलुओं में उभरते फिल्म निर्माताओं के लिए एक मार्गदर्शन है तथ्य ये है कि भारत सरकार ने उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया और यह फिल्म क्षेत्र में उनके योगदान के बारे में बहुत कुछ बताता है गौरतलब है कि मणि रत्नम डील थी एक पॉनियन सेल्विन रेसी मेगा बजट फिल्म लेकर आने वाले थे जो कि लाइव ही वो मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनकी नेटवर्थ करीब 130 करोड़ रुपए है hmm. एआर मुरगरोस मुरगरोस अरुण सालम जिन्हें आमतौर पर उनके मंच नाम एआर मुरगरोस के नाम से जाना जाता है एक भारतीय फिल्म निर्देशक निर्माता और पटकथा लेखक है मुख्य रूप से तमिल फिल्म उद्योग में काम करने वाले ए आर हिंदी सिनेमा में उनके रीमेक के लिए जाने जाते हैं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ए आर की नेटवर्थ सेवेंटी टू सी आर के करीब है वहीं उनके एक महीने की कमाई बारह करोड़ से अधिक है के राघवेंद्र के राघवेंद्र दक्षिण भारत के तेलुगु सिनेमा के एक दिग्गज के राघवेंद्र राव का करियर चार दशकों का है जिसके दौरान उन्होंने अब तक 110 फिल्मों का निर्देशन किया है विभिन्न भारतीय भाषाओं में 50 से अधिक फिल्मों का निर्माण किया है के राघवेंद्र की नेटवर्क जीरो पॉइंट फाइव सीआर रुपए है साल 1996 में शंकर और कमल हसन की फिल्म इंडियन रिलीज हुई थी हिंदी भाषी जनता इसे हिंदुस्तानी के नाम से जानती है वहीं फिल्म यहाँ टेलीफोन धुन में हंसने वाली गाना थी खैर रिलीज के बाद इंडियन की कल्टिक कसम की फॉलोइंग बन गई कमल हसन ने सेनापति नाम के स्वतंत्रता सेनानी का रोल किया था वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है और इसी लड़ाई में अपने बेटे को भी मार डालता है दूसरी पार्ट की कहानी आज के समय में घटती है दिखाया जाता है कि भ्रष्टाचार ने अपने पंजे कस लिए हैं एक उद्योगपति सोने के टॉयलेट में शौच करता है कोई बड़े क्रूज पर पार्टी कर रहा है किसी ने मंगल ग्रह पर जमीन खरीद ली है बाकिंग डॉग्स भी ऐसी ही दुनिया का हिस्सा है ये चार लोगों का एक ग्रुप है जो अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं सिद्धार्थ का किरदार चित्रा अरविंदम इनका मुख्य है ये लोग अपने तरीके से भ्रष्टाचार को उजागर और कवर करने की कोशिश करते हैं जब देखते हैं कि उनकी कोशिशें कारगर साबित नहीं हो रही हैं तब सेनापति को बुलाते हैं उसके वापस आने पर क्या कुछ खटता है यही आगे की कहानी है हर कहानी में हमें ड्यूएलिटी देखने की आदत पड़ चुकी है आप एक किरदार के समर्थन में खड़े होते हैं उसके लिए चेयर करते हैं उसे जीतते हुए देखना चाहते हैं फिर आता है उसका दुश्मन जो अपनी राय में सही हो सकता है मगर वो इस हीरो को अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचने देता आप किसी विचार या मूल्य को विलन बनाकर अपने हीरो के सामने खड़ा नहीं कर सकते उसके प्रतीक की जरूरत पड़ेगी इस बात को राजकुमार हिरानी की दो फिल्मों में समझते हैं पीके में आमर का किरदार भगवान के नाम पर धंधा करने वाले लोगों की पोल खोलना चाहता है यहाँ सौरभ शुक्ला का किरदार उस व्यवस्था को दर्शाता एक प्रतीक बनता है एंड वाले सीन में आप पीके को उसके खिलाफ जीतते देखना चाहते हैं जबकि डंकी में उस सिस्टम को दोष दिया गया जो नौजवानों को ऐसे हालात में अपना घर छोड़ने पर मजबूत कर देते हैं यहाँ प्रतीक के रूप में शाहरुख खान के सामने कोई नहीं था वो कमी आपको डंकी में खलती दिखती है शंकर की फिल्म शिवाजी में भी रजनीकांत का कैरेक्टर भ्रष्टाचार से लड़ता है लेकिन उसके सामने उसके प्रतीक के रूप में एक मंत्री है इंजन टू में ऐसे कई सारे भ्रष्ट लोगों को दिखाया गया है लेकिन उनमें से अधिकांश बस चुनिंदा सीन के लिए थे सेनापति आकार उन्हें मार डालता है बस एस जे सूर्या का किरदार पूरी फिल्म में बीच बीच में नजर आता रहा किसी एक विलन का ट्रैक पूरी फिल्म में नहीं चलता फिल्म की राइटिंग सेटअप जरूरत से ज्यादा समय ले जाती है उसकी बड़ी वजह यह है कि इस मूवी को तीसरे पार्ट के सेटअप की तरह बनाया गया है आप तीसरी पार्ट में भले ही कुछ तगड़ा करते लेकिन इस सब से इंडियन टू को कोई मदद नहीं मिलती फिल्म का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट इंटरवल के बाद आता है सेनापति इस देश का हीरो है लेकिन कहानी में कुछ मोड़ आता है और पूरा इंडिया उसे बाहर खदेड़ देना चाहता है इस नोट पर फिल्म खत्म होती है आप जानना चाहते हैं कि अगले पार्ट में सेनापति करेगा क्या आखिर मगर शिकायत वही है कि तीसरे पार्ट के लिए माहौल बनाने के चक्कर में दूसरे पार्ट की बलि चढ़ा दी गई एक्शन से लेकर इमोशंस तक शंकर की फिल्में लाउड होती हैं फिल्म में कुछ इमोशनल सीन्स अपना काम भी कर देते हैं मगर मासी फिल्म होने के बावजूद ये बंधी हुई नहीं है एक्शन भी फैले हुए दिखते हैं एक जगह कृष्णा स्वामी का बेटा प्रमोद सेनापति का पीछा कर रहा है उसे बचते हुए सेनापति एक गोदाम में पहुंच जाता है वहां कुछ गुंडों से लड़ता है बाहर निकलने पर फिर से प्रमोद उसके पीछे भागने लग जाता है ऐसा लगता है कि एक ही एक्शन सीक्वेंस को दो-तीन टुकड़ों में तोड़ दिया गया हो चीजें एक फ्लो में नहीं चलती दिखती हैं सेनापति बने कमल हसन ने अपना 100% दिया है एक तो प्रोस्थेटिक मेकअप लगाकर लगातार शूट करना एक बहुत ही बड़ा स्ट्रगल का काम है ऊपर से कमल हसन की बॉडी लैंग्वेज कहीं से भी थकावट के निशान नहीं देखते पर शंकर उनकी मेहनत के साथ न्याय नहीं कर पाए तीसरे पार्ट की सजाने के चक्कर में दूसरे पार्ट की आहूति चढ़ा दी गई इसके अलावा कई यूजर्स ने डायरेक्टर शंकर को लेकर कहा कि ये जिस तरह फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं उसकी झलक इंडियन टूब दे में देखने को मिली मूवी में कमल हसन के कई सीन्स ऐसे हैं जिनके पीछे का लॉजिक समझ नहीं आता ये तक कई यूजर्स ने कह दिया कि इंडियन टू फ्लॉप हो जाएगी इस तरह यूजर्स से इंडियन टू को नेगेटिव रिव्यूज मिल रहे हैं बताया जा रहा है कि इंडियन टू एक करोड़ रुपए के बजट में बनी है इसमें कमल हसन के अलावा रकुलप्रीत सिंह सिद्धार्थ काजुल अग्रवाल प्रिया भवानी शंकर गुलशन ग्रोवर और बॉबी सिम्हा जैसे सितारों ने अहम किरदारों को निभाया है एक यूज़र ने लिखा ये एक एवरेज से भी नीचे की फिल्म है इसमें कोई कहानी नहीं है ये सिर्फ इंडियन थ्री के सेटअप जैसा है हाँ इंडियन थ्री का ट्रेलर रोलिंग टाइटल के बाद चलाया गया और इंडियन थ्री काफ़ी इंटरेस्टिंग लग भी रही थी और मुझे लगता है कि इंडियन थ्री इंतजार करने के लायक होगा इंडियन टू की बात करें तो ये आश्चर्यजनक है कि फिल्म में भ्राता यूदी की तरह कोई मजबूत कहानी नहीं है उन्होंने फ़िल्म की खूबियाँ और खामियाँ भी गिनाई। फिल्म की कहानी आउटडेटेड है विजुअल्स अच्छे हैं लेकिन कोई क्रिएटिविटी नहीं दिखी है इंडियन टू में मेकअप और डायलॉग्स ख़राब हैं कई सीन्स में कमल हसन कमाल कर देते हैं सिड ठीक ठाक लगे फिल्म में एस जे सूर्या के लिए कोई स्कोप ही नहीं दिखा क्लाइमेक्स फाइट सीक्वेंस अच्छा है शंकर इंडियन टू के डायरेक्टर ने निराश किया है इस मूवी ने भले ही कितने भी इमोशंस डाले हो लेकिन उनकी लास्ट रिलीज कलकी की तरह ये मूवी ऑडियंस को इम्प्रेस करने में नाकामयाब रही है फिल्म देखकर आए एक यूजर ने ट्विटर पर लिखा खराब राइटिंग खराब इमोशंस और बहुत ही बोरिंग स्क्रीन प्ले उम्मीद करता हूं कि वो इसके अगले पार्ट के साथ आएंगे क्योंकि पोस्ट क्रेडिट सीन्स काफी अच्छे थे तो देखते हैं कि इतनी जो तारीफ इंडियन टू के लिए नहीं हो रही है वो बस एक कुछ चंद मिनटों में दिखाई ट्रेलर इंडियन थ्री की जो तारीफ हो रही है इंडियन थ्री क्या कमाल करती है क्या वो इसके जितने भी नेगेटिव रिव्यूज़ रहे उसको कवर अप करेगी या नहीं ये तो इंडियन थ्री ही बताएगी लेकिन इंडियन को तो भाई उतने अच्छे रिव्यूज़ नहीं मिले हैं फिल्म का ऑडियो लॉन्च यानी इंडियन टू का ऑडियो लॉन्च चेन्नई में किया गया था और मूवी के कलाकार काजल अग्रवाल रकुलप्रीत सिंह बॉबी सिम्हा ब्रह्मानंदम गुलशन ग्रोवर सभी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे मूवी में सिद्धार्थ भी महत्वपूर्ण भूमिका में है लेकिन अभिनेता में में होने के कारण कार्यक्रम शामिल नहीं हो सके फिल्म निर्देशक शंकर ने दर्शकों से बात करते हुए बताया कि अभिनेत्री काजल अग्रवाल इंडियन टू में मुख्य भूमिका में नहीं है और वो फिल्म के तीसरे भाग में ही दिखाई देंगी जिसकी जिस फिल्म की अभी से तारीफ हो रही है पार्ट थ्री की उसमें वो दिखने वाली हैं निर्माताओं ने दोनों भाग इंडियन टू और इंडियन थ्री को एक साथ शूट कर लिया है और जुलाई में दूसरे भाग की रिलीज के बाद तीसरे पार्ट के छह महीने बाद यानी जनवरी 2025 में रिलीज होने की पॉसिबिलिटीज बताई जा रही है ऑडियो लॉन्च में शामिल अभिनेत्री काजल अग्रवाल ने कहा कि कमल हसन के साथ काम करना उनके लिए एक सपने के सच होने जैसा है और उन्होंने निर्देशक शंकर के साथ काम करने पर अपनी बहुत ही ज़्यादा खुशी और एक्साइटमेंट भी जाहिर की उन्होंने कहा मैं निर्देशक शंकर का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया कि मैं ये भूमिका निभा पाऊँगी ये अप्रत्याशित है और मेरे जीवन का सबसे बड़ा पल है काजल अग्रवाल का ये सब कहना इससे साफ जाहिर होता है कि वो इंडियन का पार्ट बनकर कितना ज़्यादा अपने आप को भाग्यशाली फील कर रही हैं अभिनेत्री काजल अग्रवाल किसी पहचान की मोहताज नहीं है काजल को बॉलीवुड तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम कर अपने अभिनय का लोहा मनवाते देखा ऑलरेडी जा चुका है वहीं अब अभिनेत्री अपने हालिया बयान की वजह से सुर्खियों में आ गई काजल ने स्वीकार किया है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तुलना में साउथ में चीज़ें काफ़ी डिफरेंट हैं उनका कहना है कि महिला कलाकार अब भी साउथ फिल्म इंडस्ट्री में उस प्रणाली को बदलने के लिए कड़ी मेहनत करती हैं काजल बड़े ध्यान से ये बात कहती हैं कि महिला कलाकार अब भी साउथ फिल्म इंडस्ट्री में उस प्रणाली को बदलने के लिए कड़ी मेहनत करी हैं उसके तहत शादी करने या मां बनने के बाद उन्हें मजबूत भूमिकाएं नहीं मिल पा रही हैं ग्लाटा प्लस के साथ एक इंटरव्यू में काजल ने ये बात को एक्सेप्ट किया कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काफी अंतर है अभिनेत्री को बताया गया कि कैसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में शादी के बाद भी दीपिका पदुकोन को फाइटर में एक दमदार किरदार और आलिया भट्ट को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में एक रोमांटिक भूमिका की पेशकश की गई क्योंकि साउथ फिल्म इंडस्ट्री में बेहद कम ही देखने को मिलता है जानकारी हो कि काजल अपनी न्यूली फिल्म सत्यभामा में एक पुलिस ऑफिसर का किरदार निभा रही वहीं इस सवाल पर अभिनेत्री का कहना है हमारे बीच अभी भी थोड़ी बहुत रूढ़ीवाद्यता जुड़ी हुई है मैं उम्मीद कर रही हूं कि हम जल्द ही इसे छुटकारा लेंगे मुझे ये भी लगता है कि अब नई पीढ़ी की अभिनेत्रियों को शादी कच हो चुकी है और उनके बच्चे भी हैं काजल ने इस बात पर भी जोर दिया कि फिल्म निर्माताओं के रूप में उन्हें आगे बढ़ने और अपने दर्शकों के लिए ऐसी कहानियां पेश करने की जरूरत है जहाँ महिलाओं को विभिन्न भागों में देखा जा सके दर्शक को दोष ना देते हुए काजल ने ये चीज एक्सेप्ट किया कि वे इसके लिए तैयार हैं लेकिन कलाकारों को इसमें शामिल होने की जरूरत है काजल अग्रवाल ने साल 2020 में गौतम कीटुल से शादी की इसके दो साल बाद वो माँ बनी हालांकि अभिनेत्री ये भी स्वीकार की कि साउथ इंडस्ट्री में भी चीज़ें अब काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे बदल रही हैं उन्होंने नयनतारा की सराहना की कि वो अभी भी अपनी शर्तों पर रोमांटिक और एक्शन भूमिकाएं निभा रही हैं इंडस्ट्री में अपनी दमदार एक्टिंग से ख़ास पहचान बना ली हैं एक्ट्रेस ने फिल्म क्यों हो गया ना से बॉलीवुड में डेब्यू किया था इसके बाद उन्होंने कुछ और हिंदी फिल्मों के साथ कई तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी काम किया हाल ही में काजल ने एक इंटरव्यू के, के दौरान हिंदी इंडस्ट्री और साउथ इंडस्ट्री के बीच अंदर के बारे में खुलकर बात की न्यूज़ 18 के एक शो में काजल से पूछा गया कि जब उन्होंने फिर से काम करना स्टार्ट करने का फैसला लिया तो उन्होंने किस दिशा में देखा गया इस पर एक्ट्रेस ने कहा मैं बॉम्बे गर्ल हूँ यहीं पैदा हुई हूँ और पली बड़ी भी हूँ मैंने हैदराबाद फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर स्टार्ट किया था यानी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में और मेरे काम की मेन बॉडी तमिल और तेलुगु फिल्में हैं मैंने कुछ हिंदी फिल्में भी की हैं लेकिन मेरे लिए घर जैसा एहसास हैदराबाद चेन्नई में है और ये कभी नहीं जाएगा एक्ट्रेस से ये भी पूछा गया कि क्या साउथ इंडस्ट्री ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है इस पर काजल ने जवाब दिया साउथ इंडस्ट्री यकीन बहुत एक्सेप्टेड कर रहा है लेकिन मुझे लगता है कि कोई छूट नहीं है यहाँ या कड़ी मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है और सफलता का कोई आसान तरीका नहीं है काजल ने यह भी बताया कि क्या टर्म्स ऑफ अप्रोच के मामले में दोनों इंडस्ट्री में कोई अंतर है इस पर उन्होंने कहा ऐसे बहुत से लोग हैं जो हिंदी में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं क्योंकि ये ज़्यादा नेशन वाइड मान्यता प्राप्त भाषा है काजल ने आगे कहा हाँ साउथ बहुत ही फ्रेंडली इंडस्ट्री है ये बहुत स्वीकार्य है साउथ में शानदार टेक्नीशियंस हैं अमेजिंग डायरेक्टर्स और फिनोमिनल कंटेंट है जो सभी चार भाषाओं तेलुगु तमिल मलयालम और कन्नड़ में जनरेट होता है काजल ने ये भी कहा कि और निश्चित रूप से हिंदी हमारी मातृभाषा है हम हिंदी फिल्में देखते हुए ही बड़े हुए हैं ये स्वीकार करता रहा है और मुझ पर बहुत मेहरबान भी रहा लेकिन मैं एकोसिस्टम एथिक्स वाल्यू साउथ इंडस्ट्री के अनुशासन को पसंद करती हूँ जो मुझे लगता है कि हिंदी सिनेमा में बहुत कमी है इसकी काजोल को इंडियन थ्री में देखने के लिए लोग बेहद एक्साइटेड है और उनकी ब्यूटीफुल अदाएँ भी देखना चाहते हैं और ये भी हो सकता है कि काजल अग्रवाल का कोई लव इंटरेस्ट हो इंडियन थ्री में बट इन सब चीज़ों से उन्होंने पर्दाफाश नहीं किया है क्योंकि ये सारी चीज़ें तो आने वाले वक्त के लिए हैं लेकिन हाँ इतना तय है कि जो काजल अग्रवाल का रोल है इंडियन टू में वो कुछ ही चंद मिनटों का स्क्रीन टाइम उनको मिला है क्योंकि असल रोल तो वो इंडियन थ्री में कर रही हैं। बॉबी सिम्हा जो ला सालार में नजर आए थे अब वो इंडियन टू में सपोर्टिंग किरदार प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं इंडियन टू के लिए उन्हें बहुत जगह ट्रैवल करके शूट करना पड़ा जो कि उनके लिए बहुत स्केड्यूल था जो उन्होंने पहले कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया था उन्होंने बताया कि उनका बहुत सारा सीन्स वेट एक्टर विवेक के साथ था जिनके साथ वो राजस्थान मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश गए थे और वहाँ के मंदिरों के बारे में भी विवेक को बहुत अच्छे से पता था जिस वजह से सिम्हा भी वहाँ से फेमिलियर हो गए थे कमल हसन के साथ काम करने पर बॉबी सिम्हा ने कहा कि ये एक्सपीरियंस बहुत ही मज़ेदार बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा था उनको कमल हसन के साथ काम करके बहुत ही गर्व महसूस हुआ और जब कमल उनके साथ शूट करते थे तो ये एक बहुत ही रोचक और गूब्सबंस वाली फीलिंग थी उनके लिए बॉबी सिम्हा स्क्रीन पर एक अलग ही आकर्षण लेकर आते हैं वैसे तो अभिनेता को ग्रे शेड्स वाली भूमिकाओं के लिए जाना जाता है लेकिन वे अपने सभी किरदारों में एक अलग ही तत्व लेकर आते हैं बॉबी सिम्हा जिन्हें जय सिम्हा के नाम से भी जाना जाता है जन्म हुआ था 6 नवंबर 1983 एक भारतीय अभिनेता हैं जो मुख्य रूप से तमिल और तेलुगु भाषा की फिल्मों में एक्टिंग करते हैं साथ ही कुछ मलयालम भाषा की फिल्मों में भी काम किया है पिज़्ज़ा 2012 और कदलील सोधापु वुद्धू ये पार्टी फिल्मों में केवल क्षण भंगुर कैमियो करने के बाद उन्होंने नालन कुमार स्वामी की सुद्धु कुवम में एक अपरणकर्ता का अल्फोंस पुथरेन की नेरम में एक हास्य खलनायक की भूमिका निभाई थी सिम्हा को कार्तिक सुब्बराज की ठंडा में मुद्देर के डकेत सेतु के रूप में उनके बा के चित्रण के लिए प्रशंसा मिली थी जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए राष्ट्र पुरस्कार भी दिलवाया था बॉबी सिम्हा का जन्म 6 नवंबर 1983 को सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश में एक तेलुगु भाषी परिवार में हुआ था सिम्हा का परिवार मूल रूप से आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के मोपी देवी से है लेकिन वे 1995 नाइनटी फाइव में कोदिकनाल चले गए कोदिकनाल चले गए इसके बाद उन्होंने आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के मोपी देवी में तेलुगु माध्यम प्रियदर्शनी विद्यालय में अपनी शिक्षा पूरी की और कॉलेज के लिए कोयन बटूर के पाइनर कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में चले गए उन्होंने 2005 में में नाल्या चित्रम कार्यक्रम में भाग लिया जब मुख्य वक्ता सुंदर सी और ई रामदास ने उन्हें तमिल फिल्मों में अभिनय करने की सलाह दी थी सिम्हा ने दावा किया कि चेन्नई में टीवी शो में आने का प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद उन्हें पता चला कि कोयन बटूर से वहां आने के बाद ही उन्हें धोखा दिया गया था बाद में सिम्हा ने अपनी डिग्री पूरी की और अभिनय करियर बनाने के इरादे से चेन्नई लौट आए लेकिन अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए उन्होंने मार्केटिंग बीमा और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में काम करना स्टार्ट कर दिया था सालार में बॉबी का रोल बहुत ही अच्छा रहा सालार बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही और कई फ्लॉप फिल्मों के बाद प्रभास को वापस फिल्म में लाया गया अब सबकी नज़र फिल्म के दूसरे पार्ट पर भी है और हर कोई जानना चाहता है कि ये कब फ्लोर पर आएगी सिमैस इसके पार्ट होंगे या नहीं सलार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बॉबी सिम्हा ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि सीक्वल की शूटिंग अप्रैल में शुरू हो चुकी है और निर्माताओं द्वारा इसके लिए योजना बनाई गई है ये फैंस के लिए एक रोमांचक खबर है और वे इस अपडेट को जानकर काफ़ी एक्साइटेड होंगे इस फिल्म का निर्देशन प्रशांत नील कर रहे हैं जिसमें श्रुति हसन और पृथ्वीराज सुकुमारन अनुख भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं खानसार की दुनिया बहुत बड़ी है और प्रशांत नील ने इसमें जितने भी किरदार रखे हैं वे सभी घटनाओं के उतार चढ़ाव में एक मार्मिक भूमिका निभाते हैं सलार पार्ट वन फायर में भारत का किरदार निभाने वाले बॉबी सिम्मा कहते हैं कि खानसार की दुनिया उनकी कल्पना से भी परे है जब मैं थड़ाई उदय की शूटिंग कर रहा था तो प्रशांत ने मुझे कॉल किया था मैं कहानी सुनने के लिए हैदराबाद गया अगर आप उनकी कहानी देखें तो ये कल्पना से परे कुछ है अगर हम सीन्स की कल्पना करें तो वो स्क्रीन पर और भी शानदार हो जाते हैं ये पूरी तरह से कलर दुनिया है मैं आश्चर्यचकित था वे याद करते हैं भारवा के रूप में सिम्हा कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं है निभाते हैं और खानसार में माहौल में बदलाव के लिए जिम्मेदार है निर्देशक के साथ काम करने के अपने अनुभव को साझा करते हुए वे, वे कहते हैं प्रशांत ने मुझे मेरे कैरेक्टर के बारे में बताया और कहा कि फिल्म देखने के बाद हर कोई समझ जाएगा कि उन्होंने मुझे इस तरह की भूमिका में क्यों लिया प्रशांत एक बेहद शांत और खुश मिजाज मज, व्यक्ति हैं मुझे ये पसंद है कि वो सभी के साथ सम्मान से पेश आते हैं और उन्हें सहज महसूस कराते हैं वो बहुत ही केंद्रित समर्पित हैं और काम पूरा करते समय जो चाहते हैं उसके प्रति एकदम दृढ़ हैं इस साल कार्तिक सुब्बाराज की फिल्म टिकट ठंडा डबल लेग्स भी रिलीज़ हुई और लोगों ने खूब सराहा ये फिल्म मूल रूप की आधुनिकता स्वीक्वल है जिसमें सिम्हा ने गैंगस्टर असौल सेतु की भूमिका निभाई थी इस भूमिका के लिए उन्हें उस साल सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्र पुरस्कार मिला और इस बार भी वो सहायक अभिनेता ही बने हैं इंडियन टू में कार्तिक कहते हैं जब कार्तिक ने पहली बार कहानी सुनाई तो मैं वो भूमिका निभाना चाहता था क्योंकि मैं उस किरदार से गहराई से जुड़ा हुआ था उन्होंने मुझसे कहा कि किरदार निभाना मुश्किल होगा क्योंकि ये किरदार 48 वर्ष के गैंगस्टर का है लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम किसी चीज़ पर भरोसा करते हैं और उसके लिए दिल से चाहत रखते हैं तो वो हमें मिल ही जाती है इसलिए मैंने आखिरकार ये भूमिका निभाई इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने खुलासा किया कि उन्हें सीक्वल के क्लाइमेक्स में उनके किरदार से जुड़े होने के बारे में पता नहीं था उन्होंने कहा मैं बहुत ही इमोशनल और आश्चर्यचकित था कि अंत में ये सब कैसे जुड़ा मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे फ़ोन करके बताया कि मैं एलिय सीजर की भूमिका निभा सकता था लेकिन राघव लॉरेंस और एस जे सूर्या ने अपने किरदारों के साथ न्याय से ज़्यादा काम किया है पेटा में रजनीकांत के साथ काम करने के बाद बॉबी सिम्हा ने शंकर की अभी तक रिलीज़ हो चुकी फिल्म इंडन टू में कमल हसन के साथ स्क्रीन पे शेयर किया हम कमल सर और सेट पर उनके इम्प्रोवाइजेशन से बहुत ही कुछ सीख सकते हैं ऐसा सिम्हा कहते हैं उन्होंने कहा हमने उनकी अहमियत नहीं समझी है सेट पर हर दिन कुछ न कुछ सीखने को मिलता रहा और मैं हमेशा कहता हूँ क्या आदमी है जिस तरह से वो किरदार में ढल जाते हैं वो बेमिसाल हैं वो बताते हैं हालांकि उन्होंने फिल्म में अपनी भूमिका के बारे में विस्तृत जानकारी देने से इनकार कर दिया लेकिन उनका कहना है कि वो दर्शकों को फिल्म और उनके किरदार को देखने के लिए एक्साइटेड हैं। उन्होंने कहा कि एंथरम फिल्म निर्माता के साथ काम करना उनके लिए सम्मान की बात है हालांकि उन्होंने खलनायक और पुलिस की भूमिकाएं है निभाई हैं लेकिन इराव्य अभिनेता ने अभी तक एक आम व्यवसायिक नायक की भूमिका नहीं निभाई है इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा मेरे मन में ये विचार आया कि जिसके कारण मैं ने अपना होम प्रोडक्शन स्टार्ट किया हमने मेरी पहली फिल्म वसंता मुल्लई के साथ प्रयोग करने की कोशिश की लेकिन बाद में पता चला कि ये काम नहीं करेगा इसके बाद राकेश एनएस द्वारा निर्देशित थड़ाई उदय थी फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज में है रिलीज करने की योजना बना रहे हैं ये एक पारिवारिक मनोरंजक फिल्म है और इसमें एक व्यवसायिक फिल्म के सभी तत्व शामिल होंगे सिम्हा के लिए एक ऐसे किरदार को चुनने की खोज अभी भी जारी है जो एक अभिनेता के रूप में उनका प्यास शांत करें उन्होंने कहा मुझे अभी तक संतुष्टि नहीं मिली है और मैं और भी भूमिकाएं निभाना चाहता हूं। मुझे रत्नम की फिल्म रावनम में विक्रम का किरदार बहुत पसंद आया इस तरह की भूमिका निभाना रोमांचक होगा कमल, के के इंडें कमल हसन ने अपनी आगामी फिल्म इंडियन टू के प्रमोशन के दौरान दिवगन नेदू मोदी वेणु के साथ काम करने की दिल को छू लेने वाली यादें साझा की इंडियन और इंडियन टू के सेटअप पर साथ बिताए समय पर साथ बिताए समय को याद करते हुए कमल हसन ने नेद मोदी वेणु की प्रशंसा की और उन्हें मलयालम सिनेमा के बेहतरीन अभिनेताओं में से एक बताया कमल हसन ने कहा आज मुझे नेदू मोदी वेणु की याद आ रही है वो मलयालम सिनेमा के बेहतरीन अभिनेताओं में से एक थे कमल हसन ने नेदू मोदी वेणु की बहुमुखी प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए कहा कि वो किसी भी भूमिका को सहजता से निभा सकते हैं उन्होंने कहा नेदू मोदी वेणु को फिल्मों में मुख्य भूमिका के लिए आसानी से लिया जा सकता है फिर भी वो एक चरित्र अभिनेता के रूप में भी परिपूर्ण थी कमल हसन ने बताया कि इंडियन टू की शूटिंग के दौरान नेदू मोदी वेणु की तबीयत ठीक नहीं थी उन्होंने शूटिंग के दौरान अपनी बातचीत को याद किया जिसमें नेदू मोदी वेणु अपनी चिंताएं और आशंकाएं व्यक्त करते थे हसन ने कहा शूटिंग के दौरान वो मुझसे अपनी बेचैनी साझा करते थे हमने इस बारे में बात की कि हम इस मूवी के लिए रिलीज होने के बाद साथ मिलकर इसका जश्न कैसे मनाएंगे अभिनेता ने नीतू मोदी वेणु को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी क्योंकि उन्होंने दिवगत अभिनेता के सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान और उनके व्यक्तिगत प्रभाव को स्वीकार किया था कमल हसन ने कहा आज जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे उनकी उपस्थिति अपने साथ महसूस हो रही है लेट नेरू मोदी के रोल को अच्छा स्क्रीन टाइम देने के लिए मेकर्स ने ए का यूज़ किया और उन्हें फिल्म में स्पेस दिया दिग्गज मलयालम अभिनेता नेरू मोदी वेणू का ग्यारह अक्टूबर 2021 की सुबह केरल के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था उनके निधन से उनके फैंस और फिल्म उद्योग के दोस्तों को गहरा सदमा भी लगा था तुर्कल सलमान पार्वती निर्देशक रवि के चंद्रन और कई अन्य हस्तियों के ने दिग्गज अभिनेता को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया प्रसिद्ध नाटककार कालम नारायण पनिकर ने प्रयोगान थिएटर समूह के साथ एक थिएटर कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत करते हुए वेणु ने 1978 में जी अरविंदन की फिल्म थम्बू के माध्यम से

अपने चार दशक से अधिक के फिल्मी करियर में वेणु ने नायक खलनायक और चरित्र अभिनेता के रूप में 500 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया था उनकी अभिनय शैली और प्रतिभा ने उन्हें भारत सिनेमा के बेहतरीन अभिनेताओं में से एक बना प्रदर्शन किया जिन्हें भारतीय रंगमंच परंपरा के क्रमश नाट्यधर्मी और लोकधर्मी कहा जाता है बाल गोपाल ने कहा कि वेणु ने पी पद्मराजन द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्मों जैसे कलन पवित्रन और ओडिदा थोरू में शानदार अभिनय किया है जिसमें उन्होंने प्रत्येक पात्र में आंतरिक व्यक्ति को उजागर करते हुए असाधारण अभिनय का प्रदर्शन किया अपने 30 के अंत और 40 के दशक के आरंभ से उन्होंने कई फिल्मों में 70 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति की भूमिका निभाई जिससे उन्हें फिल्म एकेडमी पहचान मिली फिल्म मलयालम सांस्कृतिक जगत बनाने में, उनके कौशल पर प्रकाश 948 में के में ने अपने कॉलेज में फाजल के साथ नाटकों में अभिनय किया जो बाद में एक बेहतरीन तो निर्देशक के रूप में उभरे कॉलेज में एक नाटक प्रतियोगिता में उनके प्रदर्शन को देख कवल नारायण पनिकर ने उन्हें अपने प्रयोगात्मक थिएटर समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया उन्होंने कई संगीत वाग यंत्र बजाने से भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और मलयालम कविता का उनका गायन दक्षिणी राज्य में प्रसिद्ध है राष्ट्र और राज्य फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित वेणु ने मोहनलाल अभिनेत हिज हाइनस अब्दुल्ला और भारतम जैसी फिल्मों में उल्लेखनीय भूमिका निभाई वेणु ने दूरदर्शन के लिए निर्मित मलयालम के शुरुआती टेली सीरियल

मूवी की रिलीज से पहले ही यह जानकारी सामने आ गई थी कि इंडियन थ्री का ट्रेलर इंडियन टू फिल्म के अंत में चलाया जाएगा शंकर ने ट्रेलर के बारे में कुछ अन्य इंटरेस्टिंग जानकारी शेयर की शंकर ने बताया कि मार्वल मूवीज की तरह इंडियन थ्री का ट्रेलर आखिर में दिखाया गया रोलिंग टाइटल्स के तीस सेकंड बाद ट्रेलर चलाया जाएगा आप इसे एक झलक भी कह सकते हैं ये करीब ढाई मिनट लंबा है ट्रेलर पूरा होने के बाद बैलेंस रोलिंग टाइटल्स जारी रहेंगे रिपोर्ट्स के अनुसार रिपोर्ट देश भर के वितरकों और प्रदर्शकों को सलाह दी गई है कि वे तब तक लाइव न जलाए जब तक कि एंड क्रेडिट के रूप में इंडियन थ्री का ट्रेलर ना चला दिया जाए इससे दर्शकों का ध्यान इंडियन थ्री के लिए भी अट्रैक्टेड रहेगा दरअसल इससे पहले कमल हसन या बात साफ कर चुके हैं कि इंडियन थ्री की शूटिंग इंडियन टू के साथ साथ ही चल रही थी और फिल्म का तीसरा भाग इसके दूसरे भाग से ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा सुपरस्टार कमल हसन ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के पास इंडियन टू की शूटिंग करते हुए पुरानी यादों में खो गए थे कमल ने उक्त मूर्ति की तस्वीरें साझा करते हुए ट्वीट किया था महान योद्धा नेताजी की इस मूर्ति का उद्घाटन पच्चीस साल पहले इसी दिन कलेगनार ने किया था मैं इंडिया टू की शूटिंग के दौरान मूर्ति के नीचे खड़ा हूं महान इंसान महान यादें फोटो में कमल को मूर्ति की तस्वीरें लेते हुए देखा जा सकता था नेताजी के सौवें जयंती के उपलक्ष्य में 12 दिसंबर नाइनटीन को तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ने इस मूर्ति का उद्घाटन किया था कमल हसन की इंडियन 2 1996 की ब्लॉकबस्टर इंडियन का सीक्वल है फिल्म निर्माता शंकर इस फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं उल्लेखनीय है कि नेताजी कमल के इंडियन थाधा की प्रेरणा है जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह शुरू करता है मूल फिल्म में नायक सेनापति को एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में दिखाया गया है जिसने नेताजी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्र सेना के रैंक में सेवा की थी फिल्म इंडियन का अंत भारतीय था, था कि विदेश भाग जाने और अपने देशवासियों को चेतावनी संदेश भेजने के साथ होता है कि यदि वे एक बार फिर भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए वो अपना हिंसक अभियान फिर से शुरू कर देगा फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी बहुत सी फिल्में रही हैं जहाँ कभी हमने नेताजी से इंस्पायर्ड कहानियां सुनी कभी देखी तो कभी हमने उनसे जुड़े डायलॉग सुने भारत के स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी साल नाइनटीन भारत के स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी साल 1897 में हुआ था भारत की आज़ादी में नेताजी को बेहद अहम योगदान रहा देश की आज़ादी के बाद उनका कितना आक्रमण रुख था ये कई भारतीय फिल्मों में भी नजर आ चुका है जी हाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर भारतीय सिनेमा में कई फिल्में भी बन चुकी हैं दर्शकों ने उनके जीवन की गाथा को काफ़ी पसंद भी किया आपको सुभाष चंद्र बोस पर बनी फिल्मों से रूबरू करवाते हैं फिल्म नेताजी सुभाष चंद्र बोस फॉरगेटन हीरो फिल्म स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन की मुख्य घटनाओं को उजागर करती है इस फिल्म में एक्टर सचिन खेडकर ने उनके किरदार को प्ले किया था नेताजी के किरदार को उन्होंने काफ़ी शानदार तरीके से निभाया जिसे दर्शकों ने बहुत प्यार दिया था फिल्म नेताजी सुभाष चंद्र बोस फॉरगेटन हीरो साल दो हज़ार पाँच में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी इस फिल्म का निर्देशन श्याम बेनेगल ने किया था फिल्म बॉस डेट अलाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर बनी फिल्म की ये पहली वेब सीरीज है इस वेब सीरीज में अभिनेता राजकुमार राव ने मुख्य भूमिका अदा की है बॉस टेड अलाइव साल 2016 में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म एल टी बालाजी पर रिलीज की गई इस वेब सीरीज ने भी काफी सुर्खियां बटोरी थी फिल्म मिशन वंदे मातरम ये ओरिजिनली तमिल भाषा में बनी फिल्म है तमिल में इस मूवी का नाम सुभाष चंद्र बोस था जबकि हिंदी भाषा में इसको मिशन वंदे मातरम के नाम से रिलीज किया गया फिल्म में साउथ एक्टर वेंकटेश ने सुभाष चंद्र बोस की भूमिका अदा की थी साल फिल्म साल 2005 में रिलीज हुई थी फिल्म नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये एक बंगाली फिल्म थी जो साल नाइनटीन में रिलीज की गई थी इस फिल्म का निर्देशन हेमन गुप्ता ने किया था ऑडियंस ने इस फिल्म को बहुत प्यार दिया था इंडियन टू में एक्टिंग के लिए फिल्म में ज्यादा कुछ है नहीं कमल हसन का जितना इतना ज़्यादा मेकअप हो चुका है कि ज़्यादा एक्सप्रेशंस नज़र ही नहीं आते और कई बार तो ऐसा लगता है कि मुँह नहीं हिल रहा फिर कमल हसन के बारे में और ज़्यादा कहें रीत सिंह प्रिया भवानी शंकर और सिद्धार्थ एवरेज हैं हिंदुस्तानी टू यानि इंडियन टू के डायरेक्टर शंकर को लाजर दैन लाइव फिल्में बनाने के लिए पहचाना जाता है लेकिन इस बार वो चूकते नज़र आते हैं उन्होंने सब कुछ बहुत ही भव्य रखा लेकिन कहानी में चुक गए कुल मिलाकर फिल्म बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाती है और आखिर आधे आधे लगता है कि ये कब खत्म होगी जो फिल्म में दिखाया गया है उसकी झलक अपरिचित कब्बर अजबाक और जवानी जैसी फिल्मों में देखा जा चुका है इंडियन टू में देखने को मिलता है कि हर कोई परेशान है और इस भ्रष्टाचार से निजात पाना चाहता है ऐसे में चार युवा कम्बा कंडियन हैशटैग चलाते हैं और सेनापति को वापस भ्रष्टाचारियों का विनाश करने के लिए बुलाते हैं सेनापति आता है तो आता है कई लोगों की जिंदगी में भूचाल कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि फिल्म वर्मा कलई को प्रमोट करने के लिए बनाई गई फिल्म है मूवी को देखकर यही बात कौन देती है कि चलाने के लिए उंगलियों का काम माल नहीं बल्कि मजबूत कहानी सही होती है फिल्म हिंदुस्तानी टू यानी इंडियन टू की कहानी पहली फिल्म हिंदुस्तानी यानी इंडियन के करीब तीन दशक बाद मौजूदा समय में शुरू होती है फिल्म में नए जमाने का एक युवा चित्रा अरविंद यानी सिद्धार्थ अपने दोस्तों के साथ मिलकर एंटरटेनमेंट पर वीडियोस के ज़रिए भ्रष्ट राजनेताओं और अफसरों के खिलाफ जंग छिड़ता है लेकिन जब वो हिम्मत हार जाता है तो हिंदुस्तानी को याद करते हुए इंटरनेट पर उसकी वापसी की मुहिम चलाता है नतीजन काफ़ी अरसे से ताइवान में जिंदगी बिता रहा सेनापति इस जंग को आगे बढ़ाने हिंदुस्तान आ पहुँचता है इंडियन थ्री अगले साल रिलीज की जाएगी दिलचस्प बात यह है कि भ्रष्टाचार से जूझ रहे आम आदमी को इंसाफ दिलाने वाले मसीहा की थीम पर बीते साल आई शाहरुख खान और तमिल डायरेक्टर एटली की फिल्म जवान सुपहट रही थी अब कमल हसन की इंडियन टू भी इसी थीम पर आई है तो लेकिन वो जादू नहीं चला पा रही है दरअसल इंडियन इस दौरान देश छोड़ कर भाग घोटलेबाजी को सबक सिखा रहा था इस बार इस लड़ाई में सेनापति के साथ चित्रा अरविंदन समेत तमाम युवा साथी मौजूद हैं लेकिन फिर तमाम चीजें कुछ और ही मोड़ ले लेती हैं क्या सेनापति भ्रष्ट नेताओं को सबक सिखाकर आम लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने की अपनी जंग में कामयाब हो पाता है ये तो आपको जानना होगा लेकिन वो भी सिनेमा घर जाकर जहा रकुलीत और बाकी कास्ट ऑडियो लॉन्च में शामिल थे वहीं गुलशन ग्रोवर भी इसका हिस्सा रहे इस ऑडियो लॉन्च इवेंट का फिल्म का प्रचार जोरों शोरों पर चल रहा था और फिल्म की ऑडियो लॉन्च ने फिल्म के लिए चर्चा बढ़ा दी बॉलीवुड अभिनेता गुलशन ग्रोवर इंडियन टू के साथ कॉलीवुड में एंट्री कर रहे हैं और उन्होंने चेन्नई में ऑरियो लॉन्च की शोभा बढ़ाई गुलशन ग्रोवर ने अब ऑरियो लॉन्च से एक झलक साझा करके इंडियन टू में अपनी भूमिका का खुलासा किया है शंकर निर्देशित इस मूवी में गुलशन ग्रोवर प्रतिपक्षी की भूमिका में हैं और कमल हसन से ही मुकाबला करेंगे और ये एक दिलचस्प मुकाबला होने वाला है गुलशन ग्रोवर इंडियन टू के ऑडियो लॉन्च के लिए बैगनी सूट में स्टाइलिश अंदाज में नजर आए और इस कार्यक्रम में वो शंकर और कमल हसन के साथ राजसी अंदाज में भी नजर आए नाइनटीन में की इंडियन की मुख्य अभिनेत्री मनीषा कोयराला ने गुलशन ग्रोवर को अपनी शुभकामनाएं भेजी क्योंकि वो आगामी सीक्वल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं गुलशन ग्रोवर ने जवाब में मनीषा कोयराला के प्रति आभार व्यक्त किया और सीक्वल की शूटिंग के दौरान कमल हसन और शंकर के साथ इंडियन अभिनेत्री के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चर्चाएं भी शेयर की आपको पता है कि गुलशन ग्रोवर को फिल्मी बैटमैन कहा जाता है लेकिन ये कोई नहीं जानता कि फिल्मी बैटमैन को जो जान देता है उससे वो फिर गुडमैन कहने लगता है गुलशन ग्रोवर के बारे में जाना जाए तो पता नहीं हम कितनी बार एक ही चीज को बताएंगे लेकिन गुरु जो बात है सो बात है चलो फिर बता देते हैं सन 96 में हम जिंदगी में पहली बार थिएटर में पिक्चर देखे नाम था दिलजुले हीरो थे अजय देवगन विलन थे शक्ति कपूर महा आदमी लगा था भाई लेकिन विलन की तरफ विलन से ज्यादा दमदार एक आदमी लड़ता था एक पुलिस वाले के रोल में थे गुलशन ग्रोवर आज यानी इतने सालों बाद भी दिलजली रिलीज हुई एक आंख में हरी वाली पट्टी हाथ में पानी पूरी की पूरी प्लेट और बार बार उसके साथ आधा डायलॉग जिंदगी का मजा तो खट्टे में है भाई साहब तब तो लगता था कि ये मिल जाए तो हुर दे लाडी के हुरा से लेकिन उसका डायलॉग हमेशा मुंह पर रहता था कहो कसम खा ले चलो दिल जले का भूत छोड़ते हैं बात गुलशन ग्रोवर की करते हैं फिल्मी वानी उनको बैड मैन कहती है लेकिन दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड से हॉलीवुड तक वो गुड मैन है एक्टिंग के लेवल पर तो वो गुड़ माने मिठूम है एकदम अदाकारी के कायल उनके दुनिया भर में जानते हो क्यों हैं उनकी डायलॉग डिलीवरी वर्ल्ड लेवल की है और स्टाइल भी इसलिए मिथुन देओल और गोविंदा के जमाने में खूब जमे खूब मार कुटाई करते रहे हॉलीवुड में पहुंचे तो बवाल काट दिया खलनायकी के बारे में बहुत नहीं बतियाते हैं यार बोर हो जाओगे कहा है कि हम पांच उनकी पहली फिल्म थी तब वे तो गुंडा बनना स्टार्ट किए फिर बनते ही गए हर पिक्चर के आखिर में गंदी मौत मरना पड़ता था लेकिन फिर यार दिलवाले और शबद की बात करनी ज़रूरी है दिलवाले में मामा सपना भी भाग गई कि टाइम जो हंसी आती है ना कसम से क्या बताएं और हर शपथ जब दोनों हीरो का एक साथ होता है तो मन करता है कि हीरो का साथ छोड़कर वो लन की साइड आ जाए उसी जमाने की एक पिक्चर थी ट्रिगर इस फिल्म में ऐसा काम किया भाई साहब कि सारे पुराने पाप धुल गए उसमें कहते हैं हम इंस्पेक्टर जरा दूजे किस्म के हैं फिर अजय करिश्मा की जोड़ी को मिलाने के लिए इतने प्रयास किए कि उतने में पत्थर से पानी निकल आता फंटूश में डबल रोल जो जमाए थे कि क्या कहें? एक दुनिया में चिंदी छोड़ दूसरी दुनिया में राजा साहब पुलिस जी पकड़ के जेल में डाल दिए तो बैठे रो रहे थे ये तो हुई फिल्मों की बात अब थोड़ी पर्सनल लाइफ के बारे में जान लेते हैं। गुलशन सिंगल फादर हैं अपने बेटे संजय के उनकी शादी टूट गई थी कुछ दिन के बड़े ख़राब रिश्तों के बाद उसके बाद संजय को खुद पाला लेकिन एक चीज़ बड़ी स्ट्रिक्टली फॉलो की संजय को पढ़ाई से समझौता कर फिल्मों की तरफ नहीं जाने दिया आज का दौर ये है कि इंडस्ट्री में जमा हर छोटा बड़ा आदमी किसी ना किसी रास्ते में अपने बच्चों को धकेलने में लगा है एक बार फेल हो जाए तो दो तीन बार और लॉन्च करते हैं इस माहौल में तमाम बड़े बड़े बैनर्स को ऑफर ठुकरा दिया गुलशन ने कि अभी इसको फिल्म नहीं करनी गुलशन का कहना था मैंने एक विलन के तौर पर पहचान बनाई फिल्मों के लिए बैडमैन हूँ लेकिन असल ज़िंदगी में पूरी तरह शांत मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा भी मेरी इन क्वालिटीज़ को फॉलो करे लेकिन फिल्मों से दूर रहे मैं उसे एक्टर नहीं बनाना चाहता उसे एक स्टेबल करियर देना चाहता हूँ लेकिन ये बयान साल दो साल पहले का है अब खेला बदल गया है संजय हॉलीवुड के एम एम स्टूडियो में काम कर रहे हैं गुलशन ने हाल ही में कहा कि वे चाहते हैं बेटा बॉलीवुड में आकर उनके साथ काम करें वो एक्टर नहीं है लेकिन फिल्मों में पेशे में ज़रूर हैं इतनी उठा पटक वाली पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ स्ट्रगल भी कम नहीं किया फिल्मों में आने से पहले थिएटर फिर पहुंचे मुंबई रोशन तनेजा एक्टिंग स्कूल में एडमिशन लिया अनिल कपूर संजय दत्त साथ में पढ़ाई करते थे कोर्स पूरा करके उसी स्कूल में टीचर बन गए सन नाइनटीन एटीन में आई थी पिक्चर हम पाँच उसमें करियर की शुरुआत की आज उनके फेम का हाल में ही 400 से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं जाते जाते उनका एक्शन कम कॉमेडी सीन देखते जाओ जो हम लोग आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं उनकी वर्क फ्रेंड की बात करी तो 2023 शुरुआत में अनाउंस किया गया था विशाल भारद्वाज अपनी पहली वेब सीरीज बनाने जा रहे हैं चाली से बन रही ये सीरीज अगाथा क्रिस्टी के नॉवल दी सीता फॉर मिस्ट्री पर बेस्ड है सीरीज से जुड़े गुलशन ग्रोवर ने हाल ही में मीडिया से बात की उन्होंने बताया कि विशाल भारद्वाज उनके फेवरेट डायरेक्टर्स में से एक हैं और वे लंबे समय से उनके साथ काम करना चाहते थे बुलशन को ढेरों वेब सीरीज़ के ऑफर आए मगर उन सभी को रिजेक्ट कर डाला हिंदुस्तान टाइम्स से हुई बातचीत में उन्होंने आगे बताया मैंने पिछले एक साल में कम से कम साठ से सत्तर वेब सीरीज़ रिजेक्ट कर दिया उसके बाद जब विशाल भारद्वाज के साथ काम करने का मौका आया तो तुरंत हाँ कर दिया ऐसी कहानी मजबूत कास्ट और इंटरेस्टिंग रोल को लेकर दोबारा सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी बुल्शन ने कहा कि उन्हें कुछ फिल्म मेकर पसंद है उनके काम करने का स्टाइल भी बहुत पसंद है और उन सभी में विशाल भारद्वाज टॉप पर आते हैं लेकिन उन्हें अपने फेवरेट डायरेक्टर में काम क्या पसंद है इस पर उनका कहना था वो हर सीन की डिटेल पर काम करते हैं मुझे पसंद है कि वो अपने काम को लेकर कितने पैशनेट हैं मैं उनकी फिल्मों और किरदारों का बड़ा फ़ैन रहा हूँ उनकी फिल्मों के किरदारों को देखने के बाद मेरा रिएक्शन होता था कि ये रोल मैं कर सकता हूँ हमेशा से उनके साथ काम करने की तमन्ना थी इसलिए जब उनका कॉल आया तब मैं बेहद खुश हुआ बता दें कि सीरीज़ की शूटिंग शुरू हो चुकी है गुलशन ग्रोवर ने बताया कि इंडिया में अब तक ऐसा कुछ भी नहीं बना है चाहे वो एक्टिंग हो एक्शन सीक्वेंस हो राइटिंग या फिर विजुअल लोगों को देखकर मज़ा आ जाएगा विशाल भारद्वाज की पहली सीरीज़ सोनी लिव पर रिलीज़ होगी गुलशन ग्रोवर की पहली सीरीज़ योर ओनो भी सोनी लिव पर ही आई थी खैर चार्ली चोपड़ा एंड द मिस्ट्री ऑफ सोलांग वैली गुलशन ग्रोवर के अलावा नसीरुद्दीन शाह नीना गुप्ता प्रियांशु रत्ना पाठक लारा दत्ता और वामिका गावी भी नजर आएंगे ब्रह्मानंदम ने इंडियन टू के प्रमोशंस के दौरान कमल हसन की नकल की और लोगों ने उन्हें खूब प्यार दिया ब्रह्मानंदम का रोल इंडियन टू में काफ़ी अच्छा है दो हज़ार ग्यारह में आई फिल्म डुकूरू में एक सीन में ब्रह्मानंदम इस फिल्म में ब्रह्मा ने महेश बाबू के साथ नजर आए थे जो तेलुगु फिल्म के इतिहास की सबसे बड़ी हिट फिल्म बन गई थी अपनी कॉमिक टाइमिंग एक्सप्रेशन और हंस ओढ़ किरदारों के लिए मशहूर ब्रह्मानंदन ने 1986 में आहाना पेलांधा नाम की फिल्म में काम अपना फर्स्ट डेब्यू किया था वो अब तक अलग अलग भाषा की ग्यारह सौ से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुकी हैं ये किसी भी एक्टर का सबसे ज़्यादा फिल्मों में दिखने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसके लिए ब्रह्मा का नाम गिनस बुक में भी दर्ज है कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए साल 2009 में भारत सरकार ने उन्हें देश के चौथे सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से नवाजा था आखिरी बार ब्रह्मा ने नौ जनवरी दो को रिलीज हुई मशहूर एक्टर और पोलिटिशियन एन टी राव की बायोपिक एन टी आर कथानायडू में नजर आए थे। फिल्म में ब्रह्मा ने तेलुगु फिल्मों के मशहूर कॉमेडियन रेलांगी का किरदार निभाया था इन दिनों वो ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के रीजनल वर्जन ग्रेट तेलुगु लाफ्टर चैलेंज में जज की भूमिका निभा रहे थे आने वाले दिनों में वो छब्बीस ग्यारह मुंबई हमलों पर बन रही फिल्म एटीन एटीन में नजर आने वाले साथ ही उनके प्रभास की आने वाली फिल्म साहू में भी वो नजर आ चुके थे साउथ फिल्मों के फेमस एक्टर ब्रह्मानंदम की कॉमेडी बहुत पसंद की जाती है जब वो स्क्रीन पर आते हैं तो उन्हें देखकर कर ही लोगों की हंसी छूट जाती है वो लगभग हर दूसरी या फिर तीसरी साउथ फिल्मों में नजर आ ही जाती आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रह्मानंदम एक हज़ार से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं उनका बचपन गरीबी से में बीता लेकिन आज वो करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं रिपोर्ट के अनुसार ब्रह्मानंदम की नेटवर्क लगभग चार करोड़ रुपये है वो एक फिल्म के लिए एक से दो करोड़ रुपये चार्ज करते हैं ब्रह्मानंदम का जन्म आंध्र प्रदेश के साटे नापल्ली ज़िले में मुपल्ला गांव में 1 फरवरी 1956 को हुआ था ख़बरों के मुताबिक ब्रह्मानंदम का बचपन तंग हाल में बीता कई बार उन्हें दो समय का खाना भी नसीब नहीं होता था लेकिन आज वो लग्जरी लाइफ जीते हैं उनके पास मर्सरीज़ बेंच इनोवा किस तरह की गाड़ियाँ हैं लग्जरी गाड़ी उनकी कलेक्शन का बेहद ही अट्रैक्टिव पार्ट है हैदराबाद के जुबली हिल्स में ब्रह्मानंदम का लग्जरी बंगला है जिसकी कीमत करोड़ों रुपए बताई जाती है वो छत्तीस साल के करियर में ग्यारह सौ से अधिक फिल्में कर चुके हैं वो अक्सर फिल्मों में कॉमेडियन का किरदार निभाते हैं जिसे उनके फैंस बहुत पसंद करते हैं सात सौ से ज़्यादा फिल्में करने पर साल दो हज़ार सात में ब्रह्मानंदम का नाम गिनस वर्ल्ड में दर्ज किया गया इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे अवार्ड से भी सम्मानित कर चुका गया है कई रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि ब्रह्मानंदम को पेंटिंग करने की बहुत ही अच्छी आदत है फ्री टाइम में वो पेंटिंग करना बहुत पसंद करते हैं जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आती रहती हैं ब्रह्मानंदम को मल्टी टैलेंटेड एक्टर भी कहा जाता है क्योंकि उन्हें अच्छा खाना बनाना भी आता है उनके घर जो भी मेहमान आते हैं वे कोई ना कोई स्पेशल डिश बनाकर उन्हें ज़रूर खिलाते हैं ब्रह्मानंदम ने साउथ के कई सुपरस्टार्स जैसे रशनीकांत रवि तेजा अलू अर्जुन प्रभास और नागार्जुन के साथ फिल्मों में काम किया है सभी फिल्मों में इनका कॉमेडी रोल ही रहा है और बॉलीवुड की फिल्मों को पसंद करने वाले भी ब्रह्मानंदम को पसंद करते हैं और इन टू में भी इनकी कॉमिक टाइमिंग है एक होता है भीड़ से अलग होके चलना और एक होता है भीड़ चाल में चलना तो फिलहाल इंडियन सिनेमा इनमें से किस ऑप्शन को फॉलो कर रहा है अब वीडियो की शुरुआत में ये सवाल पूछकर कंफ्यूज कर दिया ना पर आपके इस कंफ्यूजन का जवाब है हमारे पास तो अभी बात है कमल हसन की अपकमिंग फिल्म इंडियन टू की जिसके एक्शन और इंटेंसिटी को अंदर लेवल पर ले जाने के लिए इसे आई मैक्स पर भी रिलीज किया जा रहा है और ये फिल्म आपको बारह जुलाई को देखने को मिलेगी अब इससे पहले हमने कमल हसन की फिल्म कलकी टू एडी में भी देखा था आई मैक्स स्क्रीन पर पर कलकी का यूएसपी था उसका वीएफएक्स और विजुअल्स और साउंड क्वालिटी को नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए ऐसी फिल्मों के लिए आई मैक्स जरूरी होते हैं पर क्या इंडियन टू के लिए भी इतना जरूरी है ये और क्यों ज्यादातर फिल्में तरफ मैक्स के पीछे भाग रही है और क्या सच में इंडियन सिनेमा भेड़चाल चल रही है क्योंकि देखिये ना फिलहाल इंडियन सिनेमा में कोई एक बंदा ट्रेंड शुरू करता है और बाकी सब उसे फॉलो कर रहे हैं जिसका करेक्ट एग्जाम्पल है माइथोलॉजिकल ब्लैंड फैंटेसी फिल्म बनाना अब बाहुबली से ये पैन इंडिया

फिर हमने पुष्पा में भी देखा फिर सलाम में देखा फिर रणबीर कपूर और हाल ही में रिलीज हुई फिल्म किल में भी देखा मतलब अब वायलेंस तो मस्ट है भाई इतना ही क्यों हर प्रोड्यूसर को अपनी फिल्म के लिए रश्मिका मंदाना का ही नंबर डायल करना अच्छा लगता है और बाई मैक्स रिलीज में भी यही ट्रेंड बना है पर इस सब में एक ही कॉमन बात नजर आती है जो है डिमांड जो ऑडियंस को पसंद आ रहा है उसे ही फॉलो किया जा रहा है और इंडियन टू भी वही कर रही है देखिए आईमैक्स स्ट्रैटेजी बिजनेस ग्रो करने के माफी काफी ज्यादा हेल्प करती है और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है शाहरुख खान की 2023 की ब्लॉकबस्टर पठान जो कि इट बिकेम वन ऑफ द आईमैक्स इज बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स इन इंडिया